गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञान तिमिराबंधस् ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ बरहापीडं नटवर बभुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासकनकगपिसयं वैजयन्ती च मालां रंध्राण वेणुरधर सुधया पुरयान गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशस्तात गीतकीर्ति भजामि राधां वरविंद नेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां बदामि राधां करुणाभराद्रां ततो मम न्यास्ति गतिर्न क्वापि भक्त्या विहीनापराधलक्षै कीप्तासि कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण बंधन जाहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरण। तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम श्रुहिदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम्। जंग प्रभजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह का तर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुम् स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी कर हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पद्मनाभ महाराज अब अभी बोलेंगे ना थोड़ी बात में। सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री भक्ति वेदांत बन महाराज जी, पद्मना महाराज, अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी, माता पिता भाई बहन, सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुआ है। हमारे श्री गुरुपाद पद्म कहते हैं कहते भगवान अजन्मा है, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बल अजोपि सर्ण अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर अपि सन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म नहीं है लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। बोले जन्म क्यों लेते हो? बोले भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए। अगर भगवान कृष्ण अगर जन्म नहीं होते तो कल जैसे हम लोग बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय कन्हैया, फिर हम फिर क्या यहाँ पर बैठ कर कथा सुनते, घर में बैठ कर के दुनियादारी बात में रमे रहते हैं। इसलिए भगवान अपना भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए वो अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन बोले जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जह व्यतीत तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। बोले हे अर्जुन मेरा जो जन्म कर्म दिव्य और अवलौकिक अपराकृत है अगर इसको सही सही रूप में कोई जान ले शरीर त्याग देने का बाद जगत में फिर जन्म नहीं लेता है। लेकिन कुछ कुछ लोग कहते हैं अरे हम भी जैसे जन्म हुए थे ठाकुर भी तो इसी जन्म हो गए। कुछ कुछ लोग कहते हैं ना, कल सुने थे ना ठाकुर जी जन्म लेने से पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, फिर उनकी सारे पूर्व जन्म की कथा को उन्होंने सुनाई, पूर्व जन्म में तुम कौन थे क्या किया सारी कथा सुनाई, फिर भगवान बोले मैं बालक बन जाऊंगा, फिर मेरे को गोकुल में रख करके बेटी ऐसे कोई बेटा जन्म लेता है? आपको बेटा ऐसे जन्म लिया था? जन्म लिया था पहले चतुर्भुज रूप पर प्रकट हुए थे? नहीं हुए थे। इसलिए भगवान ऐसे जन्म नहीं है। इसलिए भगवान कहते मेरा जन्म कर्म अपराकृत और दिव्य और अवलौकिक मेरे जन्म कर्म है, हैं? इसलिए जो इसको जान लेता है फिर इसको पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए अभी प्रश्न है फिर अजन्मा होते हुए भी जन्म क्यों लिए? इसलिए गुरुदेव ने एक ग्रंथ प्रकाशित किया है गुरुदेव ने, जिसमें गुरुदेव ने 15 कारण बताया। कितना कारण बताया? आज मैं आपको 10 कारण बताऊंगा और कल आपसे सुनूंगा, जो बोलेगा उसको इनाम दूंगा, जो नहीं बोलेगा ना खड़े कर दूंगा। फिर इसको मैं रोज बोलता हूँ, काफिल कपिल लेकर के आओ, खाली हाथ में आ जाते हैं यहाँ पर, कोई कोई लेकर आते ही नहीं क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं प्रचार करने। ठीक है, हाँ सुन लो, कुछ उसमें साधारण कारण ही गुरुदेव कहते, उसमें कुछ विशेष कारण है। बोले साधारण कारण क्या है? बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। बोले हय हे अर्जुन जब जब इसी जगत में अधर्म है, अधर्म बढ़ने लग जाती हैं, धर्म की हानि होने लग जाए, गो ब्राह्मण संत पृथ्वी को ऊपर में जब अत्याचार होता है, मैं तब तक इस जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को मैं रक्षा करता हूँ, संतों को मैं रक्षा करता हूँ। संतों को रक्षा करना मतलब क्या है? संत तो हर समय रखित है लेकिन वो जो मेरे विरह में दुखी है उनका विरह रूपी दुख को मैं दूर कर देता हूँ। इसलिए कहते ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी
दर्शन दिए। उसी समय ठाकुर जी देवकी वसुदेव को कहते हैं, तुम दोनों पूर्व जन्म में प्रिश्नी और सुतपा थे, राजा रानी थे, विषय भोग नहीं किया। तुम लोगों ने मेरी कठोर तपस्या की 10,000 साल तक सूखे पत्ते खा खा करके। जब मैं संतुष्ट हो गया, बोले वर मांगो। तुम लोगों ने क्या बोले, प्रभु आप जैसे हमें एक संतान चाहिए। लेकिन वेद कहता है भगवान कौन है, बोले न तत् समस्याभ्य अधिकस्य दृश्यते। बोले भगवान से बड़े की बात छोड़ दो, जगत में भगवान के बराबर भी जगत में कोई नहीं है। इसलिए भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारी बेटा बनकर आ जाऊंगा। ये एक कारण है, हैं कदी ये देवकी वसुदेव, अच्छे तरह से समझो, ये जो देवकी वसुदेव है ये भगवान की नित्य पिता माता है। लेकिन कहती ये प्रिश्नी सुतपा फेरे कौन है, बोले जब ये प्रिश्नी सुतपा ये दोनों साधक है, अच्छे तरह से समझो, ये दोनों साधक है। लेकिन देवक वसुदेव भगवान की नित्य पिता माता, जब ये दोनों आए ना, ये जो प्रिश्नी और सुतपा इनके अंदर में मिल गए, मिल करके जब इन्होंने पात्सल रस की आस्वादन की, स्वाभाविक रूप में ये भी आस्वादन कर लिया। ये कितना कारण हो गया, अरे बोलो कितना कारण हो गया, दो कारण, कल सब पूछूंगा। इसलिए कहते तीसरा कारण क्या है, कहते ये द्रोण और धरा ये दोनों भी ब्रह्मा जी की उपासना की। जब ब्रह्मा संतुष्ट हुए, बोले वर मांगो, बोले प्रभु हम चाहते हैं, हैं जैसे एक बच्चा माँ की पेट से स्वाभाविक रूप में जन्म ले, आप भी मेरे पेट से स्वाभाविक रूप में जन्म लो। जैसे बच्चे कभी हैं उत्पात करते हैं, बच्चे कभी नटखट करते हैं, मैया कान मोल देती है ना, कहते ऐसे मैं भी तुम्हारी कभी कान मोल दूँ। इसलिए कृष्ण जब मिट्टी खाते हैं ना, मैया क्या करते है? सीधा कान पकड़ती है, बोले अपवित्र हैं, कोई चीज मिला नहीं घर में, क्या मक्खन मिश्री कमी, और तुमने मिट्टी क्यों खाई। भगवान क्या कहते हैं, भगवान वहाँ पर झूठ बोल देते, बोले माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। कभी अगर मक्खन खाते हैं, मैया क्या करते भी कान मोल देती हैं, बोले लाला तेने मक्खन खाई। कृष्ण क्या कहते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। इसलिए कहते हैं स्वाभाविक रूप में मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करो। अभी हम कथा सुनेंगे इसकी, हैं इसकी अभी कथा सुनेंगे। इसलिए द्रोण और जो धरा, अच्छे तरह समझो, द्रोण जो धरा है कहती ये दोनों साधक है, लेकिन नंद जसोदा भगवान की नित्य पिता माता है। लेकिन जब इन्होंने वात्सल रस की आस्वादन की, इन्होंने क्या की, इनके अंदर में तदात्म हो गई, मिल गई, मिल करके स्वाभाविक रूप में इनके अंदर में वात्सल रस की आस्वादन की। और एक चीज समझो, कहते एक ने भगवान की उपासना की, बोले कौन कौन उपासना की भगवान की, प्रिश्नी और सुतपा, और एक ने उपासना की भक्तों की। लेकिन जो भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन जो भक्तों को उपासना करते हैं ना, भगवान खुद कहते हैं, बोले सिधीर भवती वा नेति संशय अच्युत से विनाम निसंशय चात्र तद भक्त परिचर्या रतात्मना। ध्यान से सुनना, भगवान कहते हैं जो डायरेक्ट मेरी उपासना करते हैं, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं तुम मेरे को पाओगे। भगवान खुद कहते हैं कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो मेरे भक्तों की उपासना करते हैं, मेरी भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान गारंटी देते हैं एक दिन जरूर तुम मेरे को प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान का नाम क्या कहते, भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए एक ने उपासना की भगवान विष्णु को, लेकिन एक ने उपासना की ब्रह्मा को, लेकिन श्रेष्ठ फल मिला किसी को, नंद जसोदा को और से द्रोण धरा को। क्योंकि कृष्ण तो प्रकट हो गए मथुरा में, लेकिन कोई वात्सल रस, ठाकुर कोई लीला की मथुरा में, सारे लीला कहाँ पर की है, गोकुल में हुई है। कोई नहीं कहते वसुदेव का आनंद भयो, क्या कहते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए नंद के आनंद भयो है। कद कितना कारण हो गया, तुम लोग कोई सुनते नहीं सब बैठे, तीन हो गया। हाँ कद चौथा कारण क्या है, बोले भगवान जब पहुंचे कहाँ पर, दंडकारण्य में पहुंचे,
राम लक्ष्मण सीता। अभी भगवान राम का रूप देख करके सुपर्णा का तो बाबरी बन गई। इतने सुंदर रूप कभी हमने जिंदगी में देखा ही नहीं। इतने में सुपर्णा ने क्या रूप उसने धारण की, अद्भुत सुंदरी बन करके भगवान राम से बोले मेरे से ब्याह कर ले। बोले भैया मेरे तो ऑलरेडी पत्नी है सीता है। बोले इसके अंदर में क्या, हड्डी हड्डी कुछ है ही नहीं, तो देख मेरे मैं कितने सुंदरी हूँ, मैं कितने सुंदरी, मेरे से ब्याह कर दे। भगवान राम बोले देखो मैं तो सीता को छोड़ करके और किसको शादी कर ही नहीं सकता, क्यों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अपना मर्यादा में रहता हूँ। देखो यहाँ ठाकुर उसी क्या देते हैं, भैया कभी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, अपना पत्नी को साथ में ही संबंध बना करके रहनी चाहिए, हैं, अपना पत्नी को साथ में ही धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी करो, ऐसे नहीं शादी एक को क्या अंदर अंदर में और किसको प्रेम कर रहे हो, नहीं, भगवान ये सब चीज सिखा नहीं देते। इसलिए गुरु जी कहते थे जब तक तुम रामलीला को फॉलो नहीं करते हो ना, कृष्ण लीला में प्रवेश तुम्हारी कोई प्रवेश नहीं, तुम्हारी कृष्ण लीला में पहले तुम पहले राम लीला को पहले अपना जीवन में उतारो, फिर कृष्ण लीला में तुम प्रवेश करने का सौभाग्य तभी मिलेगा, नहीं तो कोई तुम्हारी अधिकार नहीं है। इसलिए बोले देखो मैं सीता को सिवाय किसको मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मण गया हुआ था लकड़ी लेने के लिए, लकड़ी लेकर क्या है, बोले ये कौन है, बोले मेरे छोटे भैया है। बोले ये भी तो देखने में कम सुंदर नहीं, ये तो बड़े सुंदर, इससे मैं बोलूँ शादी करने के लिए, बोले तेरी जैसे मनमानी को कौन रोक सकता है, पूछ करके देख लो। लक्ष्मण के पास में गए, बोले लक्ष्मण मेरे से शादी कर लो। लक्ष्मण बोले अभी देख रहा था तुम प्रभु राम से कुछ प्रार्थना कर रही थी। बोले वो उसने मेरे प्रेम को नहीं समझा, तू मेरे प्रेम को समझोगे। लक्ष्मण बताई ये बताओ तुम दासी बनना चाहते हो ना राज राज रानी। बोले राज रानी, बोले मैं तो प्रभु का दास हूँ, अगर मेरे से शादी करोगे ना तुम तो सेवा करते करते थक जाओगे, कहाँ तू रानी बनने की स्वप्न देख रहे हो, जाओ प्रभु राम के पास में। फिर राम के पास में गई, गई तो फिर प्रभु ने इनकार कर दिया। इतने में सुपर्णा का अपना स्वरूप में आ गई, बोले जानते हो मैं कौन हूँ, प्रार्थना करने वाले में नहीं हूँ मैं, दशानन रावण का मैं बहन हूँ, ये सीता जितने गड़बड़ी करने वाले इसको ही मैं खा जाती हूँ। इसने अपना स्वरूप में आ गई, जब अपना स्वरूप में आ गई प्रभु राम ने आदेश दिया इसके नाक कान को काट दो, और उसके नाक कान को काट दिए। अभी प्रश्न है भैया उसने नाक कान क्यों काटे, लक्ष्मण भगवान क्यों आदेश दिया, कहते जो लक्ष्मण है ये गुरु है, गुरु का काम क्या है, बोले गुरु का काम है जीव को उपयुक्त बना करके भगवान की सेवा में लगाना, गुरु जी की ये काम है, हैं? इसलिए इन्होंने देखा ये ऑलरेडी भगवान राम के हृदय में बैठा चुकी है, इसलिए ये और किसी की नहीं बननी चाहिए। एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, उसका नाक कान काट दो शादी होगी, फिर उसको कोई शादी करेगा, दुनिया में कोई फिर शादी नहीं करेगा। बोले भैया तू और किसी को बन करके नहीं, बन करके रहना तो श्री भगवान के ही बन करके रहो, फिर वही सुपर्णा ही अगली जीवन में कहती ये कुब्जा बन करके आती हैं, फिर भगवान कुब्जा को हैं, वो तीन जगह से टेढ़ी थी लेकिन भगवान प्लास्टिक सर्जन कर दिया, हैं, कहते एक पैर में एक पैर रखे, थोड़ी में एक हाथ और पीछे में एक हाथ रख करके एक झटका मारे ना सीधा सटका हो गई, क्या सुंदरी बन गई उसने, क्योंकि भगवान की स्पर्श हो गया ना, इतने सुंदरी उसने बन गई, अपना रूप को देख करके सहन नहीं कर सकी, इतने सुंदरी। इतने में भगवान कृष्ण को कपड़ा पकड़ लिया, बोले प्रभु ये रूप आप ही दिए हो, इसको आप ही भोग कर सकते हो। बोले तेरे शर्म नहीं लग रहा, ये जेठ खड़े हैं, दाऊ भैया खड़े हैं, तू कपड़े पकड़ कर खींच रहे हो, अरे दाऊ भैया खड़े हैं, इतना तो थोड़ा शर्म रखा करो, मैं अभी कंस को उधार करके तुम्हारी मैं उधार करूंगा, तुम्हारी पास में आऊंगा। इसलिए ये भी एक कारण है भगवान क्यों जगत में आए हैं, हैं? लेकिन यहाँ पर और एक कारण और एक रहस्य बताते हैं, जो जो सुपर्णा था उसने सीता की अनुगत नहीं किए, सीता को अलग भगवान से सीता को अलग करना चाहते हैं, अलग करके बीच में ये क्या बनना चाहती हैं, भगवान की पटरानी बनना चाहती। बोले नहीं,
इसलिए हमारे राधा रानी, राधा के बगैर कृष्ण मिलेंगे? इसलिए कहते राधिकार दासी यदि है अभिमान, शीघ्र मिले तबे गोकुलकान। ये कृष्ण कब मिलेंगे? अगर किसकी मन में ये भावना हो जाए मैं कौन हूँ, राधा रानी की मैं दासी हूँ, तभी ये रमण बिहारी जल्दी से जल्दी ठाकुर जी तभी मिल सकते हैं। बोले श्री रमण बिहारी लाल की, बोले श्री राधा रानी की, बोले श्री सीता मैया की, बोले सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए कहते ये भी एक कारण है भगवान जगत में क्यों आए। कितना कारण हो गया? कितना हो गया? चार हो गया। पंचमा कारण बताए, पंचमा कारण बताए, जिस समय भगवान राम दंडकारण्य में पहुंचे वहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग गोपाल मंत्र की उपासना कर रहे थे, लेकिन मंत्र तो उपासना कर रहे थे लेकिन उनकी सिद्धि नहीं हो रही थी। जैसे होता है ना भजन में एक लगन होता है, ये चीज को समझो, भजन में एक लगन होता है और एक क्या होता है, ठीक है गुरु जी ने माला दे दिया किसी तरह से, 10 माला नहीं तो 12 माला 16 माला किसी तरह से है, दिन में 16 माला जब किसी तरह से कर लेते हैं ना, क्या करते हैं, दूर भैया प्रणाम और तेरा देखना नहीं और नहीं हो गया 16 माला हो गया तो बस हो गया, और दिन में दर्शन नहीं देना भैया। इसलिए एक भजन होता है जैसे किसी तरह से प्रभु का साधन करना है करते हैं, और एक साधन होता है लगन, एक साधन होता है लगन से। कहते शरीर पतन है कि मंत्र साधन की बात, शरीर पतन मतलब है जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक भजन नहीं छोड़ेंगे। एक समय गुरु जी ब्रजमंडल परिक्रमा करते समय ध्रुवटीला में पहुंचे, वहां पर एक व्यक्ति भजन कर रहा था, तो हमारे जो बड़े गुरु जी को पास में आए, बोले गुरुदेव यहीं पर ध्रुव जी 6 महीना में ठाकुर का दर्शन किया और मैं तो 6 साल हो गया अभी तक मेरा कुछ नहीं हो रहा है। बोले गुरु जी कैसे ठाकुर मिलेंगे, ध्रुव जी को तो यहीं पर 6 महीना में दर्शन दिया। गुरुदेव इतनी अच्छी बात बताई, गुरुदेव ने बताया देखो जब तक तुम्हारी प्राण होठ में नहीं आ जाता है ना तब तक ठाकुर का दर्शन नहीं मिलेगा। होठ में आने का मतलब क्या है, तेरे दर्शन के बगैर हमारी प्राण नहीं रहेगी, हैं नहीं रहेगी। ध्रुव जी ने कैसे तपस्या की, एक जगह पे जो भजन करते थे 3 दिन तक बैठ करके, खाना पीना पायखाना पेशाब सब बंद, और 3 दिन तक बैठ करके पहला महीना में, उसको बाद में बेर फल खाकर भजन, दूसरे महीना में 6 दिन बाद में, तीसरे महीना में 9 दिन बाद में, चौथा महीना में 12 दिन बाद में, एक जगह पर बैठ गए ना 12 दिन तक हटना नहीं, लेकिन हमारी भजन किया, 1 माला 2 माला कर लिया ना, अभी तो खत्म नहीं रहा है, ये कब खत्म हो जाए, हैं ये माला कब खत्म हो, ऐसे थोड़ी होएगा, ऐसे थोड़ी होगा। इसलिए लगन लगनी चाहिए। वहां पर भजन तो कर रहे थे माला, वो लोग तो गोपाल मंत्र की पूजा कर रहे थे, लेकिन उसमें जो कि लगन है ना वो लगन नहीं हो रहा था। लेकिन जब भगवान राम वहां पर पहुंचे, और राम और श्याम एक ही है, अभी राम को देख करके उनको श्याम की याद आई, श्याम की याद आई, तो उन्होंने ठाकुर जी को प्रार्थना की, ठाकुर जी आपसे हम शादी करना चाहते हैं। देखो ये ऋषि मुनि तो भगवान ने कहा देखो रामावतार में सीता शिवाय में हम किसी को प्राप्त हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तुम लोग सबके सब जब द्वापर में गोपी बन करके मैं आऊँगा, तुम लोग गोपी बन करके आओ, तुम्हारी समस्त इच्छा को मैं पूरी करूँगा। वो जो ऋषि लोग थे ये सब के सब क्या गोपी बन करके ये ब्रज में आए, इसलिए ये गोपियाँ कोई साधारण लड़की नहीं, ये श्रुति मंत्र है, वेद मंत्र, दंडकारण्य ऋषि हैं, जनकपुरी की स्त्रियाँ, ये सब के सब कृष्ण अवतार में आए और ठाकुर जी इनके पूर्ण की इच्छा। कितना हो गया? 5 हो गया, अभी सही गिन रहे हो। छठवां कारण बताए हैं, छठवां कारण बताए, बोले जिस समय अब लोग बामन देव को कल दर्शन किया, जब बामन देव बलि महाराज का घर में आए, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। माताओं का एक स्वभाव, क्या स्वभाव है, अगर किसी छोटे बच्चे को सुंदर बच्चे को देखे ना, इनकी मन में इच्छा होती है कब इसको हम गोद में लें,
कब इसको हम प्यार करें, ये माताओं की एक स्वभाव है। अभी बामन भगवान ठाकुर जी है, इतने सुंदर देखने में ठाकुर जी थे, उनकी बेटी ने बोली अगर ये मेरे बेटा बन करके आता तो दिन भर गोद में लेकर के मैं इसको लाड़ लड़ाती, प्यार करती। भगवान बोले कोई बात नहीं, बेटा बन करके आ जाऊंगा। लेकिन जब भगवान बामन देव एक चरण को उन्होंने भूर भुव मोह जन तप और सत्य लोक में पहुंचा दिए, और जब उन्होंने ब्रह्मांड कटाव को भेद करके जहां पर गंगा देवी प्रकट हुई, बोले श्री गंगा देवी की, अब लोग कोई जय कोई हे बोल रहे हो, जोर से बोलो, बोले श्री गंगा महारानी की। जब गंगा प्रकट हुई एक चरण से, दूसरी चरण अतल बीतल तलातल रसातल पाताल तक पहुंच गया, बोले बली बड़ा डी आंक रहा था, इतने दान दूंगा तुम्हें कहीं हाथ पसारने का जरूरत नहीं, बताओ तीसरे पग कहां रखूं। तब उन्होंने वरुण पास में बली महाराज को बांध दिया, उनकी बेटी देखा बड़ा दुष्ट है, एक तो पिताजी का सब हड़प लिया, फिर दूसरे फिर पिताजी को वरुण पास में बांध दिया, अगर तुम मेरे बच्चे बन करके आओगे ना, तेरे को दूध क्या मैं तेरे को जहर पिलाऊंगी। भगवान बोले कोई बात नहीं, बेटा बनी जाऊंगा, जहर पी लूंगा। फिर वो क्या बन करके आई, क्या जोर से बोला, हाँ पुतना बन करके आई, पुतना मसी बन करके आई। ठाकुर जी उसको पर फिर कृपा की, धात्री चित गति थी। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया, भजन करना तो हमारे श्री रमण बिहारी को भजन करो, कन्हैया को भजन करो, क्योंकि ये कृष्ण ऐसे के देवता हैं जिसकी इच्छा कोई भी पूरी नहीं कर पाते हैं, कोई भी अवतार भी वो पूरी नहीं कर पाए, उसका पूरी किसने किया है, कृष्ण ने किया है। बोले क्यों, जो कृष्ण हैं ये सोलह कला में परिपूर्ण हैं, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन ये कृष्ण हैं, ये सर्व समर्थ होने का नाते जो इच्छा कोई नहीं पूरी कर पाएगा वो इच्छा हमारे श्री रमण बिहारी जी पूरी करेंगे। हम लोग कोई ताली नहीं बजाएंगे, इसलिए कहते श्री श्री ये रमण बिहारी जी की इच्छा को ये रमण बिहारी पूरी करते हैं। इसलिए भजन करना तो किसकी भक्ति करनी चाहिए, बोले श्री रमण बिहारी लाल की। कहते ये एक कारण है क्यों भगवान जगत में आए, कितना हो गया, छह, गिन रहे हो, लिख रहे हो, हाँ सप्तम कारण बताए। बोले जिस समय भगवान राम ने पहुंचे कहां पर, जनकपुर में पहुंचे, जनकपुर में पहुंचे तो इतने में भगवान राम विश्वामित्र जी को बोले बड़े गुरु जी लक्ष्मण जी की इच्छा है थोड़ी सी ये जनकपुरी दर्शन करना। विश्वामित्र बोले दर्शन करना नहीं, दर्शन दे करके आओ। अभी राम लक्ष्मण गए जनकपुरी में, एक श्याम रंग का एक गौर रंग, एक पीताम्बर एक नीलाम्बर, और क्या जोड़ी, भगवान कितने सुंदर है राम लक्ष्मण हैं, अपूर्व सुंदर ठाकुर जी का रूप। जिस गली में जाए जो एक बार देख ले राम लक्ष्मण को वो पागल हो जाते थे, हल्ला मचा देते थे, क्या दो सुंदर बालक आए हैं, कभी हमने ऐसे बालक देखा नहीं, पूरा हल्ला मचा देते थे, बोले श्री राम लक्ष्मण की। और जितने सबके सब किशोरियां कुछ कुछ तो झरोख से दर्शन कर रही थी, जो झरोख से दर्शन कर रहे थे तो दर्शन कर रही थी, लेकिन कुछ छत के ऊपर में भी खड़ी हुई थी, लेकिन वो प्रभु राम को दर्शन नहीं कर पा रहे थे। बोले क्यों, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, कभी भी उन्होंने सर उठा करके पराई स्त्रियों का मुंह ठाकुर कभी भी नहीं देखा, कभी भी ठाकुर जी नहीं देखे, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, हर समय सर को नीचे करके चलते थे। इतने में जो छत के ऊपर में खड़ी थी वो प्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, इतने में उन लोगों ने देखा कैसे दर्शन हो, तो उन लोगों का खासे सोचे हो सकता है प्रभु थोड़ा ऊपर देखेंगे, लेकिन प्रभु तो देखने वाले है ही नहीं, लेकिन पीछे पीछे चल रहे थे लक्ष्मण। ये लक्ष्मण कौन है, बोले गुरु। बोले गुरु का काम क्या है, बोले ये जीवात्मा को, जीवाचार्य है, ये जीवात्मा को परमात्मा को साथ में मिलाना ये गुरु जी का काम है, हैं? ये गुरु जी का काम है। इसलिए हमारी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दया माया हे न पमर प्रति हविना सदाया बीन देर निवेदना
वैष्णव चरणी कृपा करि संगे हे अखिचनी कवे श्री चैतन्य मोरे करिबे न धाया अभियानि पारि भवे नाद बज छाया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वैष्णव रे आवेदने कृष्ण दयामय, क्योंकि हमारी इतने समर्थ नहीं है जो कि अपना साधन भजन करके ठाकुर का दर्शन कर सके। हमारी अंदर में इतनी शक्ति नहीं है, हम गुरु जी की शरण में क्यों जाते हैं। जब गुरु जी हमारी हो करके ठाकुर जी को प्रार्थना करते, ठाकुर जी ये जीव को ऊपर में कृपा करो, तब ठाकुर जी कृपा करते हैं। जैसे मोदी को साथ में मिलना, अरिनारी व्यक्ति मोदी से मिल सकता है, लेकिन अगर कोई अमित शाह का कोई मित्र हो, अगर वो बोलता है भैया प्राइम मिनिस्टर से मिला सकता हूँ, बोले इसके लिए कोई बड़ी बात, हाथ पकड़ कर सीधा लेकर मिला देगा, उसकी कोई एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? वो मोदी का डाण आते हैं। कहते उसी तरह हम गुरु जी की शरण में क्यों जाते हैं, कारण यही है हमारी प्रार्थना ठाकुर नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर हम किसी गुरु जी की शरण में जाए, जो गुरु जी ठाकुर जी की अत्यंत निकट हैं, उनकी शरण में जाए तो क्या होता है, फिर वो सीधा हमें ठाकुर का दर्शन करा देंगे। लक्ष्मण ठाकुर का परम भक्त हैं, फिर लक्ष्मण प्रार्थना किया, बोले ठाकुर जी देखो तुम्हारी जो सखियां हैं ना, ये ऊपर से दर्शन करना चाहती है, थोड़ी सी दर्शन दे दो। भगवान राम बोले नहीं लक्ष्मण, ये जनकपुरी मायापुरी खबरदार, इधर उधर मत देखा करो, नीचे सीधा करके नीचे सर करके चलो। लेकिन जब और थोड़ी गई ना, फिर गोपियां थोड़ा खासे, लेकिन तब भी भगवान दर्शन नहीं सर उठाए। फिर लक्ष्मण प्रार्थना किया, ठाकुर जी एक बार दर्शन दे दो। अगर भक्त अगर प्रार्थना करते हैं ना, भगवान को सुनना ही पड़ता है, भगवान को सुनना ही पड़ता है। इतने में भगवान राम ने थोड़ी सी ऊपर में सर किया, सर करते ही ठाकुर का रूप दर्शन करते जितने सब सखियां थी ना, सब बेहोश हो गई। जब इनकी होश आई ना, प्रभु राम को पीछे बढ़ गए, बोले शादी कर लो हमसे। भगवान राम बोले लक्ष्मण तेरे को पहले बता रहा था, इधर उधर देखा मत, देखो सब कहते शादी कर, अभी तू शादी कर। इतने में भगवान राम ने बोले देखो ये अवतार में तो मैं और किसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, उसी समय में सबको स्वीकार करूंगा। ये सबके सब द्वापर में गोपी बन करके आई, इसका मतलब ये गोपियों को कोई लड़की बड़की मत समझा करो, ये वेद का मंत्र ऋषि मुनि कठोर तपस्या करके तभी गोपी रूप में आई, नहीं तो शंकर जी क्यों गोपी बन कर जाएंगे, बताओ शंकर क्यों गोपी बन करके जाएंगे। इसलिए हम लोग जो भजन कर रहे हैं ना, एक दिन वही गोपी भाव को पाने के लिए ही भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा भी शंकर भी नारद जी भी उद्धव भी ये सब के सब गोपी भाव को पाने के लिए ही भजन करते हैं। कहते ये भी एक कारण है ठाकुर जी क्यों कृष्ण अवतार रूप में ठाकुर जी आए। कितना कारण हो गया, अभी तक 10 नहीं हुआ है। अष्टम कारण है, आप लोग रामायण देखे होंगे, एक जो एक धोबी थी वो गई थी अपना पीहर, जब पीहर से घर में आ रही थी, इतने में बीच में एक नदी पड़ती है, लेकिन हो गया था शाम और रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही थी। केवट ने कहा अकेली स्त्री को मैं पार नहीं करा सकते हूँ, एक तो शाम हो गया फिर तुम फिर स्त्री हो, इसलिए मैं तुमको पार नहीं करा सकती हूँ। लेकिन उसको मजबूरी में एक रात को केवट को घर में रहना पड़ा। दूसरे दिन उसने आई तो केवट ने पूछा दूसरी रात तुमने कहाँ बिताई, बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले जहाँ पर बिताई वहीं पर जिंदगी बिता, मैं राम नहीं हूँ, ये रावण सीता को उठा करके ले गया, एक साल तक रखा लंका में, और जब सीता आई भगवान राम ने क्या किया, सीता को अपना बाम पार्श्व में बैठा दिया, बराबर आसन दे दिया, मैं राम नहीं वहीं पर जीवन बिता। लेकिन उसको पता ही नहीं था, रावण सीता को देखा ही नहीं, उठा कर क्या ले जाएगा। इसलिए कहते हैं अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर, माँ सीता तो जगदम्बा जगरचनी लक्ष्मी है। रामायण देखे होंगे, रावण आने से पहले राम को पता चल गया था, राम ने सीता को बोले देखो सीते
मैं जो काम के लिए आया हूँ वो काम को मेरे को करना पड़ेगा। क्यों? परित्राण आय साधु नाम बिना साय च दुष्कृता, दुष्टों को विनाश संतों को रक्षा के लिए आया हूँ। जब तक मैं रावण का सबन समय विनाश नहीं कर देता हूँ तब तक तू ये अग्नि को शरण में तुम रहो, उसको बाद में बहाना बना करके फिर मैं तुमको वापस ले लूंगा। वो असली सीता कहाँ पर थी? अग्नि में। लेकिन वो सीता कौन थी? नकली सीता थी। रावण ने नकली सीता को उठा करके ले गया, क्योंकि रावण सीता को पकड़ गया क्या वो दर्शन नहीं कर सकता है, माँ सीता को दर्शन भी नहीं, इन्हीं आंखों से ठाकुर का दर्शन नहीं होता है। वो नकली सीता को उठा कर ले गया, लेकिन उनको पता ही नहीं सुबह है, बोले मैं थोड़ी राम हूं जो कि एक साल तक रखे ले आई, तो जा वहीं पर जीवन बिताओ। जब बिताए इतने में भगवान राम यहाँ पर है ना, अगर इसलिए कहते ना जिस घर में रामायण पढ़ाई हो, अगर रामलीला को अगर जीवन में अपना है ना, इसलिए उनका देश का नाम है अयोध्या। अयोध्या मतलब क्या है? जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता है। अगर रामायण को कोई फॉलो करे ना, किसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, भाई भाई में कैसे प्रेम, पिताजी का प्रति बेटा का कैसे प्रेम, पत्नी की कैसे प्रेम। अगर इसको जीवन में कोई अपनाएगा तो उसका घर ही अयोध्या बन रहेगा। घर में कभी लड़ाई झगड़ा उसी घर में कभी नहीं हो सकती है। लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। अभी वेस्टर्न कल्चर आ गया है, विदेशी कल्चर को हम भाग रहे हैं उसको पीछे से। आज इसको फॉलो करने पर शायद जीवन में शांति सुख मिल जाएगी। इसलिए जितने गड़बड़ी जितने डाइवोर्स फाइवोर्स से क्यों हो रहा है, हमने रामायण पढ़ते नहीं, भगवत गीता भागवत पढ़ते नहीं, ये सारे लड़ाई झगड़े का यही कारण है, हैं यही कारण है। इसलिए अभी भगवान राम हर साल में एक यज्ञ करते, अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा देखो बगैर पत्नी के तुम यज्ञ कर नहीं सकते हो, पत्नी को वाम पार्श्व में बैठा करके ही तू कोई शुभ काम को कर सकते हो। बोले सीता जी को तो मैंने भेज दिया जंगल में, जब देखा पूरा राज्य में सारे राज्य में घर घर में चर्चा हो रही है, फिर भगवान राम ने किया क्या, उन्होंने सीता जी को उन्होंने वनवास दे दिया है। उन्होंने कहाँ तो चली गई, उन्होंने वाल्मीकि आश्रम पर चली गई। बोले सीता तो है ही नहीं, बोले तेरे पिताजी ने तीन शादी किए थे इसलिए तू और के शादी कर लो। बोले रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। राम कभी सीता को छोड़ करके और किसको ग्रहण कर ही नहीं सकता है। देखो ये ठाकुर जी जो शिक्षा देते हैं ना, बहुत अच्छी शिक्षा देकर गए। जब तक हमारे देश में रामायण पढ़ाई शिक्षा होता ना, तब तक संसार में शांति सुख था, तब तक शांति। बोले राम कभी भी, क्योंकि मेरे को पवित्र है, मेरे को पता मेरी पत्नी पवित्र है, सती पवित्र है, इसलिए मैं कभी उसको ऊपर में दाग नहीं लगा सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ दूसरे को। बोले गुरुजी और कोई उपाय बताओ। बोले जो क्षत्रिय है वो सोने की सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में रख करके वो यज्ञ कर सकता है। बोले ये तो कर सकता हूँ। भगवान 11,000 साल तक राजत्व किए, हर साल एक सोने की सीता बनती थी और वशिष्ठ जी उनकी प्राण संचार करते थे, सीता साक्षात बन जाती थी, सीता साक्षात बन जाती थी। अभी हर साल यज्ञ किया है, 11,000 सीता फिर गई कहाँ? यदि ये सब के सब ये कृष्ण लीला में ये गोपी बन करके आए और ठाकुर जी ये सब को ठाकुर जी हमारे ग्रहण किया। देखो हमारे कृष्ण कितने दयालु, कृष्ण कितने कृपालु है, कृष्ण किसको छोड़े ही नहीं। इनकी शरण में कोई भी आ गए ना, भले ही जितने पापी क्यों ने हो, जो आ गया ठाकुर जी जिसको अपना अपना लिया ठाकुर जी को। बोले श्री राधा विनोद बिहारी जीव की, राधा रमन लाल की, जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कितना कारण हो गया? अभी पूरी नहीं हुई। हाँ देखो, और एक कारण है, ये चीज को अच्छे तरह से समझो। कहते एक है स्वरूप सिद्धि और एक है वस्तु सिद्धि। दिमाग से समझो, ये स्वरूप सिद्धि क्या और वस्तु सिद्धि क्या होता है। स्वरूप सिद्धि का मतलब है हर जीव के हृदय में भगवान के प्रति एक रस विद्यमान है। किसके अंदर में दास्य है, किसके अंदर में सख्य है, किस में वात्सल्य, किस में मधुर है। लेकिन जब हम साधन करते 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 धीरे धीरे
जब ये अनर्थ हटने लग जाती है, वो जीव का जो नित्य सिद्ध जो स्वभाव वो प्रकट होता है, हैं? जिसको जिस रस में, इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। लेकिन जब स्वरूप सिद्धि हो जाती है, कहते भगवान का जो लीला है ना, ये अलात चक्रवर्त, अलात चक्रवर्त मतलब जैसे एक आग की टुकड़े लो, इसको ऐसे ऐसे घुमाओ ना, देखना वो लगता है जैसे एक चक्र है। इसलिए भगवान की लीला नित्य है। अभी भी कृष्ण कहीं रास कर रहे हैं, अभी भी कृष्ण कहीं जन्म हुए हैं, अभी भी कृष्ण कहीं मक्खन चोरी कर रहे हैं, क्योंकि अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में ठाकुर जी कहीं ना कहीं मक्खन चोरी, कहीं ना कहीं रास कर रहे हैं। अभी जिस ब्रह्मांड में कृष्ण जन्म हुए हैं, कहते जोग माया क्या करती हैं, वो जीव को लेकर के उसी ब्रह्मांड में जन्म दे देती हैं। जन्म देने पर क्या होता है, वो जो नित्य सिद्ध जो वहाँ पर भक्त हैं, उनकी संग इसको प्राप्त होता है। नित्य सिद्ध भक्त का संग प्राप्त होने पर धीरे धीरे, जैसे सखा अगर जन्म करेंगे तो सखाओं का संग होगा, वो कृष्ण को कैसे प्रेम करते हैं, कृष्ण के साथ में कैसे खेलते कूदते हैं, जो गोपी भाव है वो गोपी गृह में जन्म देते हैं, जो नित्य सिद्ध भगवान की परिकर है, उनकी संग होने पर इसके हृदय में भी धीरे 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 वो भाव संक्रमित होता है। संक्रमित होने पर फिर वो कृष्ण को ऐसे प्रेम करने लग जाती है नित्य सिद्धों के साथ में। फिर कृष्ण जब वो लीला समाप्त करते हुए कृष्ण जब अपना धाम में चले जाते हैं, फिर उनको साथ में ही वो जीव भगवान के धाम में पधार जाता है। फिर उसको बाद में जीव को जगत में दोबारा जन्म नहीं होता। समझ गए कि नहीं? कौन समझ गया? समझ गए, ये चीज को समझो। इसलिए भगवान क्यों जन्म होते हैं, जिनकी स्वरूप सिद्धि हो गया, समझ गए कि जिसका स्वरूप सिद्धि हो गई, उस स्वरूप सिद्धि को वस्तु सिद्ध रूप में मतलब भगवत धाम में ले जाने के लिए ठाकुर जी कहीं ना कहीं जिस ब्रह्मांड में जन्म हुए उनको अपना धाम में ले जाने के लिए, ये एक कारण है। दसवां कारण है, भगवान जगत में ये दिखाना चाहते थे मैं भक्तों का प्रेम में कितने बसीभूत हूँ। जहाँ पर ब्रज गोपियों को कृष्ण का एक प्रतिज्ञा था, ये जथा माम प्रबद्धन्ति ताम तथैव भजाम्यहम्, बोले हे अर्जुन जो मेरे को जैसे भजन करता है उसके अनुरूप उनको भी मैं वैसे ही भजन करता हूँ, जो एक आना की दो आना की वैसे ही मैं उनको देता हूँ। लेकिन जब गोपियों के साथ में भगवान रास रचाए ना, गोपियों की त्याग को जब ठाकुर जी देखे, ठाकुर जी को परास्त होना पड़ा, बोले हे गोपियों न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम स्वसाधु कृत विबुधाय सा विव, कहते ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी हे गोपियां मैं कभी भी तुम्हारी ऋणी से कभी उऋणी बन ही नहीं सकता हूँ। ठाकुर जगत को ये दिखाना चाहते हैं मैं गोपियों का प्रेम में कितने बसीभूत हूँ। इसलिए ये चीज को दिखाने के लिए ठाकुर जी जगत में अवतीर्ण हुए हैं। कितना, दस कारण हो गया कि नहीं? हाँ, कल आपसे सुनूंगा, जो बोलेगा उसको मैं कल इनाम दूंगा, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। एक भजन गा लो फटाफट बता। बोल कर श्री महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। ओ मेरी करुणा मय सरकार मिला को ठाकुर से कृपा, कृपा करो
Thank you.
कृपा करो भान दुलारी और राधे बरसाने वाली, और क्या बोले, हे श्यामा महेश श्याम से मिला दो। लेकिन हम लोग जो संप्रदाय का लोग है ना, हम गौड़ीय संप्रदाय, हम कृष्ण राधा रानी को नहीं बोलेंगे। हमारी जो लक्ष्य है ना, वो कृष्ण नहीं है हमारे लक्ष्य। लक्ष्य कौन है? अरे जोर से बोलो, राधे राधे। इसलिए कोई कोई बोलते ना, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो भावना है, नहीं, हे श्याम हमें श्यामा से मिला दो, हे श्याम हमें श्यामा से मिला दो, श्यामा हमें श्याम से नहीं, श्याम हमें श्यामा से मिला दो। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं। हमारी जो आराध्या देवी कृष्ण नहीं है, हमारे आराध्या देवी कौन है? जोर से बोलो, राधा रानी हमारी आराध्या देवी है। हाँ देखो, आज हम कथा सुनेंगे। कल जो कथा सुन रहे थे, कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में कैसे प्रकट हुए, आज हम सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद की लाला बन करके आए हैं। इसलिए गुरु जी इसी बात को बड़ी अच्छी तरह से बताया करते थे। इसलिए शास्त्र में बताया, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे,
चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुझी में तुम्हें सिद्धांत तरंग। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अगर भागवत पढ़ना किसकी अनुगत्य में, बोले वैष्णव। बोले कौन सा वैष्णव? वैष्णव ही तो चार संप्रदाय है ना। बोले गौड़ीय वैष्णव, महाप्रभु की धारा में जो भक्त आए हैं इनकी अनुगत्य में अगर भागवत पढ़ोगे ना तुमको पूर्ण रूप में भागवत रस की प्राप्त होगा। नहीं तो कहते पूर्ण रूप में तुम भागवत तत्व समझ नहीं सकते। जो व्यक्ति डायरेक्ट भागवत पढ़ते हैं उनको पूछो कृष्ण कहाँ जन्म हुए हैं, आप लोग बताओ कृष्ण कहाँ जन्म हुए हैं? कौन बोलते हैं गोकुल में, कौन कहते हैं मथुरा में? मथुरा में बोलने वाले कौन, गोकुल में बोलने वाले कौन है? हाँ ये चीज को समझो। इसलिए आप लोग तो हमारी संग कर रहे हो, वैष्णव का संग है इसलिए आपको पता है गोकुल में। लेकिन जो भागवत पढ़ते हैं ना उनको बोलो कृष्ण कहाँ जन्म हुए, बोले मथुरा में। एक ही स्वर में मथुरा में कहेंगे, लेकिन हमारी गौड़ीय वैष्णव कहेंगे नहीं कृष्ण मथुरा में प्रकट नहीं, जन्म हुए कहाँ जन्म हुए हैं? गोकुल में जन्म हुए हैं, लेकिन मथुरा में वो प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं हुए हैं। इसलिए आप बोलोगे भैया कहाँ पर लिखा हुआ, आप तो नई बात बता रहे हो। एक समय गुरुजी जब दिल्ली में रजोनी गार्डन में कभी कथा किया था, गुरुदेव कभी गोकुल में कैसे जन्म हुए कथा, वहां के जितने लोग तो बड़े कंफ्यूज में पड़े गए। बोले गुरुजी आप तो नई बात बता रहे हो, हम तो सब सुने कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए हैं। और इसी चीज को लेकर गोकुल में जब गुरुजी परिक्रमा लेकर जाते थे ना, वहां के पंडे को साथ में भी गुरुजी बड़े भैंसबाजी कहते थे। वो लोग लोग कहते थे कृष्ण जन्म हुए मथुरा में, लेकिन गुरुदेव कहते थे तुम लोग कोई भी एक ब्रजवासी नहीं हो। बोले तुम कोई भी है तो जन्म लिए गोकुल में, लेकिन कोई भी ब्रजवासी नहीं, तर्क वितर्क हो जाता था। तब गुरु जी कहते थे कोई भी ब्रजवासी कभी भी नहीं कहेगा कृष्ण मथुरा में जन्म हुए। बोले क्यों? आप लोगों ने बच्चा जन्म दिए होंगे, बच्चे जन्म दिए हो? कौन कौन बच्चे जन्म दिए? सब बच्चे जन्म दिए। आप देखना जब बच्चे जन्म देते हैं उसका जो नार है ना माँ की पेट में जोड़ी हुई रहती है, रहती कि नहीं? वो नार छेदन होती कि नहीं, नार काटते कि नहीं? इसलिए गुरु जी कहते थे जितने ब्रजवासी गोकुल के माताएं, बोले अपना आंखों से देखा मैया की कोख से बेटा जन्म हुआ, अपना हाथों से हमने नाड़ी काटी, तू कहती हो मथुरा में प्रकट हुए? नहीं, कृष्ण गोकुल में जन्म हुए, मथुरा में प्रकट हुए। इसलिए हमारे कुल बोले कहाँ लिखा हुआ, बोले भागवत में। आप देख लो, देखो ये हमारे गौड़ीय सिद्धांत अच्छे तरह से समझो। ऐसे नहीं गौड़ीय मठ में आई गल में कंठी तिलक लगा लिया हो गया, नहीं। जब तक इसकी सिद्धांत नहीं समझोगे ना तुम बता नहीं सकते हम गौड़ीय मठ गए, ठीक है। देखो भागवत में कहाँ कहाँ पर बताए कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं। कहती है गोपी गीत का जो पहला श्लोक है, समस्त ब्रज गोपियां राधा रानी जमुना किनारा में बैठ करके गोपी गीत गाए, ये गोपी गीत का पहला श्लोक क्या है? बोले जयतीधिकम जन्मना ब्रज कहती है जन्मना ब्रज, कृष्ण कहां पर जन्म हुए हैं? कृष्ण ब्रज में जन्म हुए। ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति का पहला श्लोक क्या कहते हैं? बोले नवो मिड्यते अभ्र बपुषे तड़िताम्बराय गुंजावतंस परिपीछ लसत मुखाय। वहां भी ब्रह्मा जी कहते हैं बोले पशुपांग जाय, पशु का मतलब होता है जो गैया को पालन करते हैं। नंद बाबा ही गैया पालन करते थे, वसुदेव गैया नहीं पालन करते थे, हैं? बोले पशु का मतलब गैया को जो चराने वाले, इसलिए श्री नंद बाबा की ये लाला हैं। इसलिए कहते ना नंद, कहते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कोई कहता क्या वसुदेव का आनंद भयो है?
नंद के आनंद भय होए। कहते जब कृष्ण जन्म हुए, जन्म उत्सव में श्री सुखदेव गोस्वामी 18 श्लोक में उन्होंने कृष्ण की जन्म उत्सव का वर्णन किया। इसका जो पहला श्लोक है, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना। नंदस्तु आत्मज, ये किसकी बेटा? बोले नंद की बेटा है, इसलिए नंद की बेटा होने पर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। कल जब वसुदेव महाराज कृष्ण का नामकरण करने जब आते हैं, वहां पर भी कहते हैं बोले प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तबात्मज। बोले नंद बाबा ये बेटा तेरा ही लाला है, लेकिन ये कभी कभी वसुदेव का भी बेटा बनेगा, बना था, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा, लेकिन बेटा तुम्हारी बेटा ये कृष्ण है। इसलिए भागवत में बहुत सारे श्लोक है। अभी सुना कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए। बोले श्री नंद बाबा की जो पिताजी, उनका नाम था परिजन बाबा, इनके तहत पांच बेटे हैं, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन। पहले नियम होता था जब 50 साल हो जाता था ना, कल सुनते थे ना, उसके बाद में एका बन, बा बन, चौ बन, मतलब शास्त्र कहता है 50 साल के बाद में किसको घर में नहीं रहनी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, बन, वृंदावन जाओ। भगवान जो मानव जन्म जिस काम के लिए दिए हैं, सत्संग सुनो, भजन करो, भक्ति करो और जीवन को बिताओ। जब उनकी वानप्रस्थ के समय आया तब उन्होंने चार बच्चों को बुलाए, बोले देखो बच्चों बड़े हो गए हो, शादी हो गया, तुम्हारी काम घाम में ठीक हो, अभी हम दोनों पति पत्नी चाहते हैं वानप्रस्थ लेने के लिए, हमको आदेश दो, हैं आदेश दो। बोले सबसे जो बड़ा बेटा उपानंद को मैं राज सिंहासन में बैठना चाहता हूँ। उपानंद जी ने कहा पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ, लेकिन राजा बनने का योग्य मेरे में नहीं, राजा बनने का योग्य तो नंद है, इसको आप राज सिंहासन पर बैठा दो, राजा कौन बन सकता है? ऐसे नहीं जब तक राजगद्दी पर बैठोगे जनता के पैसा को शोषण करते रहो, जितने जितने शोषण कर सकते, नहीं, राजा वही बन सकता है जो प्रजा को अपना बेटे जैसे माने, पुत्र जैसे माने। बोले ये गुण अगर किसके अंदर में, ये नंद के अंदर में, अब इसी को ही राज सिंहासन में अभिषेक, और सब प्रजा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले बात सही कह रहे, नंद बाबा को सिंहासन पर बैठा दिया। बैठा करके जब जा रहे थे, बच्चों ने कुछ प्रश्न किया, बोले पिताजी हमारी प्रश्न का कुछ उत्तर दे करके जा सकते? बोले पूछो। बोले पिताजी ये बताओ, भगवान हमें जो मानव शरीर दिया है ये क्यों दिया है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है? देखो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें ठाकुर जीवन क्यों दिया, ये जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले बच्चों ये जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम है। अगर जीवन में किसने भगवत प्रेम को जीवन को प्राप्त कर लिया, समझो जीवन का ये मानव शरीर का सर्वोत्तम फल को प्राप्त किया है। अगर जीवन में अगर कोई भगवत प्रेम को कोई प्राप्त नहीं किया ना, समझो जीवन में उसने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए मीरा जी कहती है ना, भजन बिना नरो फीको है, जैसे कि सब्जी बनाओ, खूब मसाला, खूब घी, सब चीज बढ़िया डाले, लेकिन ऐसे की चीज जो सबसे कम कीमती चीज की, अगर वो चीज नहीं डालेगा ना आप सब्जी नहीं खा सकते, बताओ क्या है? बाबा सब जानते हो, पंडित लगते हैं सब। हाँ नमक है, नमक ऐसे की चीज है, अगर नमक भले ही ज्यादा मसाला फसला कुछ नहीं, नमक सही दिया ना आप देखना दो रोटी खा लोगे, अगर सब कुछ दिया नमक नहीं दिया ना सब बेकार है, सब बेकार है, ठीक है ना। इसलिए कहते भजन बिना, जीवन में बढ़िया घर, बढ़िया मकान, बढ़िया पुत्र परिवार, सब कुछ बढ़िया, लेकिन भजन नहीं किया। मीरा कहती है तुम्हारी जीवन फीका जीवन है, और अंतिम समय में तो यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही तो बोलेंगे ना। मतलब क्या, जीवन में जितने तुम्हें राम और कृष्ण का नाम लिया यही सत्य है, और जो कुछ किया है सब कोई बात झूठा है, हैं? इसलिए प्रेम। दूसरा प्रश्न है, बोले पिताजी ये बताओ जीवन में हमें रक्षा कौन करेगा, हमारे जीवन में रक्षा क्या करेगा हमें? देखो कितने कीमती प्रश्न उत्तर क्या देते हैं। बोले बच्चों हमारे को जीवन में रक्षा करने वाले केवल संत ही है। आप बोलोगे नहीं हमारी पैसा रक्षा करेगा, हमारे बीवी बच्चा हमें रक्षा करेगा, बोले नहीं ये कोई नहीं रक्षा करेगा, रक्षा करेगा तो हमें संतों ने रक्षा करेंगे,
रक्षा करेंगे मतलब क्या है, हमारी दिशा निर्देश देने वाले कौन है, दिशा को निर्देश ये संत लोग ही, हमें दिशा निर्देश संत लोग ही करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। इसलिए संत ही हमें रक्षा करने वाले, ये संत हैं। वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे उत्तर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बताए। और उनने बच्चों को सिंहासन पर बैठा करके दोनों पति पत्नी वानप्रस्थ में चले गए हैं। जब वानप्रस्थ में चले गए, अभी चार ही बच्चों का संतान, लेकिन इन नंद बाबा का घर में कोई भी संतान नहीं। बड़ी उन्होंने तपस्या, बड़ी यज्ञियाँ, बड़े दान पुण्य बहुत कुछ किया, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं। इन्होंने देखा एक समय एक एकादशी आई जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी, मतलब जिसको करने से घर में पुत्र की जन्म होता है। बोले हम तो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अभी ये पुत्रदा एकादशी नहीं किया, चलो हम दोनों ये पुत्रदा एकादशी करते हैं। तब दोनों ने जब पुत्रदा एकादशी रखी, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में दोनों ने एक सुंदर स्वप्न देखा। बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसो क्रीडांग मयाम लोक्यते। ब्रह्म मुहूर्त में करी करी जो स्वप्न है ना वो सच होता है। देखते ही दोनों का नींद खुल गई। नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। मैया बोली मैंने भी एक स्वप्न देखा, बताओ आपने क्या देखा। नंद बाबा बोले मैंने देखा तेरे गोद में बड़ा सुंदर श्याम रंग का एक बालक तेरे स्तन पान कर रहे हैं, ये दोनों धार से दूध बहते बहते कुर्ता भीग रहा है। इतने में मैया जसोदा बोले मेरी स्वप्न सुन लो। बोले बता दे। बोले मैंने देखा एक सुंदर श्याम रंग का बालक मेरे पीछे पीछे माँ 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 करते करते मेरे कपड़े को खींच रही है। बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिला दे। और उसी रात में ही मैया जसोदा गर्भवती। देखो ये चीज को समझो, कहते इसको पहले भी उन्होंने बहुत बार व्रत तपस्या की लेकिन घर में बच्चा नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी की उन्होंने बच्चे हुए। बोले क्यों। कहते जो एकादशी है, एकादशी क्या है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बारी शूद भक्त चरण रेणो भजन आनो बोला। इसका कारण बताए कि जो एकादशी है ना ये भक्ति की माँ है। अगर आप सारा दुनिया की व्रत रख रहे हो लेकिन एकादशी नहीं कर रहे हो, भगवान नहीं मिलेंगे तुमको। भक्ति का जो माँ एकादशी है, और भक्ति को द्वारा ही तो भगवान मिलेंगे। इसलिए वो एकादशी क्या करती, भक्ति और भगवत प्राप्ति कराने वाले एकादशी। इसलिए जब उन्होंने एकादशी व्रत को की, घर में ठाकुर जी आए, ठाकुर जी घर में आए। जब ठाकुर जी गर्भ धारण की, गर्भ का कुछ चिन्ह दिखने लग गया, कुछ बड़ी बड़ी गोपी ने बोली मैया मैया तुमने कुआरी पड़े में जुड़मा केले तो नहीं खा ली थी। बोले क्यों। बोले लगता है तेरे पेट में दो बच्चा है। मैया तो डर गई, पहला बार बच्चा अगर दो बच्चा हो जाए। बोले कोई चिंता मत कर, राम जो करोगे अच्छो करेगा। कुछ गोपियों ने कही मैया लगता है तेरे पेट में लाला जन्म होने वाले। बोले कैसे। बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, कहते लगता है बालक जन्म होने वाले। जब गर्भ में बच्चे हो माताओं को चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं। यद्यपि मैया बड़ी संयमी थी, बोले मेरे को तो खीर खाने की इच्छा करती है। बड़े सुंदर गैया के दूध से खीर बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाए, मैया को उन्होंने भोजन कराए। एक होता है गर्भ संस्कार। माताएं आप लोग सुनो, एक गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार मतलब होता है जब पेट में बच्चा हो, आप माता लोग जो कुछ करते हैं ना उसका सारी प्रभाव बच्चों को बढ़ाता है। आप प्रहलाद महाराज की कथा सुने होंगे, सुने ना बच्चों ने। बोले प्रहलाद इतने ज्ञान की बात तेरे को मिली कहाँ से। बोले माँ की पेट में रहते समय नारद जी ने मेरे मैया को उपलक्ष्य करके सुनाए, लेकिन मैं पेट में बैठी बैठी कर सुन लिया। महाभारत युद्ध में जब द्रोणाचार्य ने चक्र व्यूह रचना की, एक अर्जुन के सिवाय कोई नहीं जानता है,
अभिमन्यु बोला मेरे को पता। बोले कैसे? बोले मेरे माँ सुभद्रा अर्जुन जब सो रहे थे, एक दिन मेरी मैया ने मेरे पिताजी को पूछे, बोले ये चक्रव्यूह क्या होता है? अर्जुन कैसे प्रवेश करेगा? बोल दिया, लेकिन जब वापस कैसे आएगा? सो गई सुभद्रा, इसलिए नहीं सुनाए। मैं तो प्रवेश कर सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता हूँ। ये गर्भ संस्कार इतने बड़ी चीज, पेट में बच्चे रहते हुए आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत सुनो, आपकी बच्चा इतने संस्कारी बनेगा। आप देखोगे सवेरे उठे ही चरण छुएगा, पिता माता जो बोलेंगे उसका आदेश पालन करेगा, हैं, पिता माता की बड़े भक्त बनेगा। लेकिन पेट में बच्चा डिस्को डांस देख रहे हो, उल्टा पुल्टा फिल्म देख रहे हो ना, फिर तो बच्चा क्या बन करके आएगा खुद देख लो, हैं, क्या बन करके आएगा। इसलिए गर्भ संस्कार की, हाँ, इसलिए कहते हैं गर्भ संस्कार की बड़े महत्व रखते हैं। इसलिए माता जी जब गर्भ धारण की, उसको बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की तस्वीर दिखाते हैं, ठाकुर की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते। क्यों? वो गर्भ में बच्चा सब चीज को, बच्चा कैच करता है, हैं, कैच करता है सारे बच्चों को। अभी नंद बाबा की एक बहनी थी जिसका नाम थी सुनंदा, उसने तो 6 महीना पहले आकर घर में जमकर बैठी गई। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भ धारण की है, अभी बेटा होगा तो मेरे 9 लाख की हार मिलेगी। इसी चक्कर से 6 महीना पहले आकर घर में जम करके बैठी गई और सारे घर का काम काज को कर रही थी, कब बेटा होगा 9 लाख की हार मिलेगी। आज ऐसे लग रहा था आज रात को ही घर में बच्चा की जन्म हो जाएगा, लेकिन गांव में 8 बजे तक सबके सब जगे रहते हैं, उसको बाद में खा पी करके सो जाते हैं। बोले एक काम करो, 2 घंटा 2 घंटा की ड्यूटी लगवा दो, पता नहीं कब बच्चा जन्म नहीं हो जाए। 8 से 10 तक जिनको ड्यूटी लगवाए ना, वो लोग तो मजीरा ढोलकी लेकर के सबके सब कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, बोले गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय रामायण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय 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 राधारमण हरि गोविंद, जय जय राधारमण हरि गोविंद, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी राधा रानी की जय, महारानी की जय, अभी 10 बजे तो कीर्तन की, लेकिन 10 को बाद में ना जोग माया सबको सुला दी। पता नहीं कब श्री वसुदेव महाराज मथुरा से आए और उन्होंने बेटा को रख करके बेटी को लेकर चले गए, बेटा को रख करके बेटी को लेकर चले गए, किसको पता ही नहीं चला। लेकिन मैया जसोदा कितने बच्चे जन्म दिया ये चीज को समझो, उनने 2 बच्चे जन्म दिए, पहले तो कृष्ण को जन्म दिए, उसको बाद में जोग माया को। अभी यहाँ पर एक कृष्ण हुए, फिर वसुदेव महाराज कृष्ण, एक कृष्ण लाए। अब बताओ कृष्ण कितने हो गए? अरे जोर से बोला, आप बोलोगे भैया एक कृष्ण कहाँ से, फिर एक कृष्ण कहाँ गया? कहते जो गोकुल में जो कृष्ण है ना वो पूर्ण कृष्ण हुए, मथुरा में जो कृष्ण वो अंश कृष्ण हुए हैं। इसलिए जो पूर्ण कृष्ण ये अंश कृष्ण को शरीर में समा लिया, लेकिन ये बात को वसुदेव महाराज भी नहीं समझ पाए, रात में वो चीज को समझ नहीं पाए। आप बोलोगे ये कहाँ पर लिखा हुआ? कहते कि रुद्र जामल ग्रंथ है, ये शंकर जी पार्वती को ये बात कहते। बोले पार्वती मैंने ये देखा, ये श्लोक है, बोले जसोदा नंद पत्नी च सुसुभाते समम तदा, कहते पार्वती मैंने देखा है
जसोदा नंद पत्नी च सुसुवाद समम तदा गोकुलाख पुमान सांबिका मथुराम गत। ये कहते जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे ही जो गोकुल का जो कृष्ण पूर्ण, वो वसुदेव महाराज का जो बेटे जो वसुदेव, इसको उन्होंने तदात्म कर लिया, एक हो गया है। लेकिन ये बात किसको पता नहीं चला, इसलिए रुद्र जामल में और एक विष्णु पुराण में दो दो जगह में दो श्लोक आते हैं, हैं जसोदा नंद पत्नी च, इसलिए दो श्लोक आती हैं। अभी यहाँ से तो बेटी को उन्होंने लेकर चले गए, अभी सबके सब सोए पड़े हुए, किसको पता ही नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। इतने में सवेरे ना सुनंदा की आँख खुली, देखा सब सोए पड़े हुए, बोले भैया भाभी का क्या हालत है, जा कर के देखो तो सही। जा कर के देखा मैया जसोदा की गोद में बड़ा सुंदर एक बालक किलकारी मारते हुए, वहाँ पर किलकारी मारते हुए लेट रहा। बोले भैया घर में बेटा कब हो गया, किसको बता ही नहीं चला। इतने में सुनंदा ने एक कांसा को लेकर के और एक चम्मच को लेकर के ना बड़ी जोर से उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। बोले भैया जग जाओ, नंद के लाला है गयो है, जग जाओ जग जाओ, बड़े जोर से उन्होंने बजा दिया। सबके सब जग गए, अब लोग जगे नहीं अब तक लगता है, इसलिए सबके सब जग गए। जब सबके सब जग गए, सुनंदा तो 9 लाख की हार की चक्कर में बैठी हुई 6 महीना से। बोले भैया नंद भैया कहाँ गए, सबसे पहले उसको बोले 9 लाख की हार मिलेगा। और ढूंढते ढूंढते जाकर के ब्रह्मांड घाट में देखा, वहाँ पर तो नंद बाबा बैठ करके माला जप कर रहे थे, लेकिन ये माला जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में लाला कब है गो, घर में बच्चा लाला कब है गो, छोरा कब है गो, यही जप कर रहे थे। इतने में श्री सुनंदा जाकर के बोले बोले भैया कमाल है गयो है। इतना बोलते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दियो, बोले बहन कहा भैया, बोले भैया 6 महीना पहले से बैठी हुई हूँ, हैं बता पहले क्या दोगे। बोले नवला की हार की चक्कर में ना, बोले हाँ, बोले ले नवला की हार ले ले। बोले भैया इससे काम नहीं चलेगा, और क्या दोगे। बोले दे तो दिया नवला की हार दे दिया। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है, बताओ और क्या दोगे। बोले यमुना किनारे में जितने गैया चल रहे हैं ना, जितने जमीनी जगह थे तेरे नाम पर लिखा दूंगा। बोले और क्या दोगे। बोले दे दे दिया। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है, बता और क्या दोगे। बोले ले ट्रेजरी का सारी चाबी कड़ी तेरे हाथ में, लेकिन ये बता तो सही घर में कहा भैया है। बोले भैया तेरे घर में लाला भैया है। अरे नंद बाबा तो वहीं से ही दौड़ लगाए। नंद बाबा आकर के कितने सालों से कितने समय से एक लाला के लिए इंतजार कर रहे थे, क्यों राज्य शासन करने के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन जब पहला बार उन्होंने मुख दर्शन किया, उन्होंने प्रतिज्ञा किया, संकल्प किया, जितने ब्राह्मण संतों को 20 लाख गैया मैं दान दूंगा और 7 तिल की पर्वत बना करके मैं दान दूंगा। तिल का दान बहुत बड़ा दान है, गोदान भी बहुत बड़ा दान गो है। उन्होंने संकल्प लिया। देखो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, अच्छे तरह समझो, बच्चे का नाड़ी कटने से पहले जो दान दी जाती है ना, वो दान को अक्षय दान कहते हैं, वो दान को सबसे बड़ी दान नाड़ी कटने से पहले। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भैया नाड़ी तो तभी होता जब माँ के पेट से जन्म हो। मथुरा में कृष्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, देख करके झट छोटे बच्चे बन गए, वो नाड़ी कटी नहीं, क्यों कृष्ण जन्म हुए ही नहीं वहां पर। तो कृष्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और बोल दिया बच्चा बन जाओगा, मेरे को छोड़ करके आ जाना, इतना ही और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो माँ की पेट से एक बच्चा जन्म लेता है तभी तो नाड़ी कटी जाती है ना, इसलिए नाड़ी कटने से पहले उन्होंने संकल्प किया है। इतने मतलब इसको प्रमाण दे रहे हैं कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं, इसको ये प्रमाण दे रहे हैं। तब उन्होंने संकल्प किया, संकल्प करके पहले पहले संतों को पहले बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, क्योंकि इनकी आशीर्वाद से आज मैंने ये बूढ़े उम्र में लाला का मुख दर्शन कियो। सबके सब बुलाए, ब्राह्मण संत लोग आए, स्वस्ति वाचन पढ़ करके सबके सब बच्चे को आशीर्वाद दिए और उन्हें नाई को भेज दिया, बोले जाओ पूरा ब्रजमंडल में ढिंडरा पिटवा दो, नंद के लाला भयो है सबके सब स्वागत करने के लिए आई। जितने ब्रज की गोपियाँ
छः महीना पहले 84 गज की लहंगा चुंदरी बना कर रखे थे और जितने ब्रजवासी बगलबंदी धोती टोपी बना कर रखे थे ये सब के सब बड़े सुंदर श्रृंगार करके कहते सुखदेव गोस्वामी 18 श्लोक में इसका वर्णना करते हैं कैसे कैसे वहाँ पर बोले गोप्या समिष्ट मणिकुंडल संस्कंठ बड़ा सुंदर वर्णना करते हैं गोपियाँ कैसे पूरा 16 श्रृंगार धारण किए कान में बड़े सुंडल कुंडल और गले में हार कमर में करधनी 16 श्रृंगार धारण करते हुए किसी मटकी में दूध दही मक्खन लेकर के सब आ रही थी जब आ रही थी ना कान में जो कुंडल वो बड़े जोर जोर से हिल रहा था बोले क्यों बोले तुम लोग पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो हम जा करके कृष्ण का स्वागत करें चोटी में जो सुंदर फूलों की श्रृंगार की थी वो एक एक इनकी चरण में गिर रहा था बोले क्यों बोले जो कृष्ण को दर्शन करने जा रहे हैं बधाई देने के लिए जा रहे हैं उनको चरण की पूजा करनी चाहिए अगर हम चोटी में रहेंगे तो कुछ दिन बाद में चोटी से उन्होंने निकाल देंगे बहा देंगे अगर ब्रज रज में मिल जाएंगे कृष्णा जब बड़े होकर के ठुमुक ठुमुक करके गली गलियों में घूमेंगे उनके चरण की स्पर्शा में प्राप्त होगी इसलिए सबके सब आ रही थी और आते आते इन लोगों ने सबसे पहले जितने ब्रज की गोपियां थी सबके सब मैया जसोदा को बधाई दे रही थी इधर सुना जितने माताएं मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो आप लोगों को बोलना बधाई हो पहले तुम्हारी नंबर उसके बाद में पुरुषों का नंबर है हम देखेंगे किसका आवाज तेज है जो यहाँ पर जो प्रसाद मिल रहा है प्रसाद की कितना ताकत आज देखेंगे ठीक है ना जोर से बोलना सबके सब मैं बोलूंगा मैया अब जोर से बोलना बोले मैया जसोदा बधाई हो आनंद नहीं आया पीछे लोग तो चुपचाप बैठे कुछ सामने लोगों को झगड़ा होना पता चलता है इसी कोने में झगड़ा उसी कोने में आवाज तुम लोग वही बोल तो यहाँ आवाज नहीं आ रही जोर से बोलो प्रसाद का ताकत दिखाओ बोले मैया जसोदा बधाई हो मैया बोली बधाई हो ब्रजवासियों ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिलो है ये लाला मेरो नहीं ये लाला तुम लोगों को लाला है सबके सब आशीर्वाद दे रहे थे उसको बाद में जितने गोप लोग भैया जितने गोप लोग आवाज में तेज आनी चाहिए प्रसाद रोज रोज शाही पनीर खा रहे हो शाही पनीर का तेज दिखाना ठीक है मैं बोलूंगा बधाई हो पुरुष लोग जोर से बोलना ठीक है अभी देखेंगे किसका आवाज तेज है जितने गोप लोग थे नंद बाबा को बोले बोले नंद बाबा बधाई हो हाँ इन लोग तो जोर से बोले तुम्हारा थोड़ा आवाज कम हो रही है और थोड़ी जोर से बोलो बोले और एक बार बोले नंद बाबा बधाई हो जितने ब्रजवास मई नंद बाबा बोले बधाई हो ब्रजवासियों ये बूढ़े उम्र में भी तुम लोगों का आशीर्वाद से मेरे को ये छोरा का मुख दर्शन करने को मिलो है ये लाला मेरो नहीं ये लाला तुम लोगों का और जितने ब्रजवासी थे ना ये सब के सब अपना हृदय से लाला को बधाई दे रही थी आशीर्वाद दे रही थी बोले जुग जुग जियो री जसोदा मैया तेरो ललना जुग 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 जी मेरी जसोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी तेरो ललना रे मैया तेरो ललना
Oh,
खड़े हो बस बैठना नहीं, और एक बधाई हमारे प्रभु सुना रहे, जल्दी सुना। I'm
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, हमारे बीच में हमारे बहुत सारे भक्त लोग आए हैं, सब लोग ठाकुर जी के चरण में थोड़ा थोड़ा पुष्पांजलि देंगे। माइके जो माइक दे दो बनवा जी, अपने बोले उधर दे दो, उधर दे दो, पद्मनाम महाराज उधर दे, फटाफट दे। राधिकाय जलाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कस्तूरी तिलकम् ललाटपटले रक्षस्थले कौसुमं नासाग्रे वरमौक्तिकं वेणुकरे कृतनं सर्वांगे चंदनं सुललितं कंठे। हरे कृष्ण। आप लोग थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएंगे, बीच बीच में एकदम खाली मत रखो, सब सब और जितने दूर हो सकते हैं एकदम सटक कर बैठो, जो पीछे आए वो भी बैठ जाए, और एकदम बीच में गैप नहीं रखना, कोई गैप नहीं रहनी चाहिए बीच में, एकदम सटक सटक कर जितने बैठ सकते हो जितने। हाँ हाँ, बीच में खाली मत रखा करो। माताएं माताएं तो दो दो एक एक माताएं दो दो जगह को दखल कर बैठे, और थोड़ा आगे आ जाओ और आगे एक सटक कर बैठ जाओ, एकदम बीच में कहीं जो खाली हो जो पीछे आ जाए वो बैठ जाए, एकदम कोई बीच में गैप, बीच में बहुत सारे गैप है वहाँ पर, वो बीच में गैप मत रखा करो, सबके सब सटक कर बैठो वहाँ पर, गैप क्यों, और थोड़ा और थोड़ी देर हो गए बैठो। महाराज बोले श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोग जो हैं बहुत ही मधुर भव्य श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं हम लोग पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के मुखारे से हम लोग सुन रहे हैं। आप लोगों का ये बड़ा सौभाग्य की बात। कृष्ण जन्म लीला ही देखो, कितनी सुंदर सुंदर बातें महाराज जी सुना रहे हैं, ठीक है ना, और साथ में पूज्य पाद वंद महाराज जी, भक्तिवेदांत वंद महाराज जी भी हैं, और पूज्य पाद जीव प्रभु जी और सभी वैष्णवगण हैं। बड़े सौभाग्य की बात श्री जनकपुरी में स्थित श्री रमन बिहारी श्री गौड़ीय मठ में सुयोग सबको प्राप्त होगा। सब ताली बजाओ जोर से। कथा कीर्तन नृत्य और महाप्रसाद तो है, सबसे आनंद महाप्रसाद में। किंतु जो लोग सबसे पहले पहुंचता है उसको 100% कृपा मिलेगी, और जो जितना देरी में पहुंचता है उतना कम कम मात्रा में कृपा मिलती है, और जो सबसे पहले आके बैठेगा भागवत की पूरी कृपा वो व्यक्ति पर। हाँ। और सबसे पीछे और चिप करके छतों में घूम फिर के वहां बातें करने में लगा रहेगा उसको उतनी ही कम मात्रा में कृपा की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना इन बातों, फिर भी सबको मिलेगा, तो उसे कोई खाली नहीं जाएगा, प्रसाद पाने के लिए जो पहुंचेगा उसको भी जरूर मिलेगा, किंतु वास्तव कृपा जो है महाराज जी जो सुना रहे हैं भागवतम में से, यही वास्तव कृपा है हमारे परम आराध्य इष्ट देव हमारे प्राण स्वरूप श्री कृष्ण का जन्म, यही तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। हमारे पूरे जीवन का थकान जो है, हम जो पैसा कमा रहे हैं जिंदगी में, जो कुछ भी कष्ट झेल रहे हैं, इतना दूर आप लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए ये मधुराती मधुर कृष्ण जन्म को सुनने के लिए ही तो
श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने इतनी सुंदर बात कही, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्राभिरासोत्सवाची। उपदेशामृत में सुनाया ये जन्म लीला कहीं नहीं है, वैकुंठादि लोकों में भी भगवान विष्णु चतुर्भुजधारी वहां पर विराजमान है, किंतु वहां पर भी भगवान विष्णु का जन्म लीला नहीं है। रूप गोस्वामी पाद जी बतला रहे जन्म लीला है भगवान विष्णु का, कोई माता है कोई पिता है उनके, कोई जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है वहां पर वैकुंठ में, कोई नाड़ी चेतन हो रहा है। महाराज जी जो सुना रहे बड़ी सुंदर सुंदर बातें, कितनों को समझ आया कितनों को नहीं आया चलो वो अलग बात, इधर कम से कम सुनने को तो भी मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज है। तो वैकुंठ में ये भी नहीं है, वहां क्या है, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघश्याम वर्णं श्रीवत्साकं कौसुमतरं श्रीवत्सं पुंडरीकाक्षं वंदे भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे स्तुति किया जाता है डर के मारे, वहां कोई जन्म लीला नहीं है। रूप गोस्वामी पाद जी हम लोगों को समझा रहे हैं जन्म लीला कहाँ है, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, इस मधुपुरी में इस ब्रजमंडल में ही भगवान का जन्म है। जो जन्म मधुरता का सूचक है, मधुर लीला का सूचक है, जो प्रेम का वर्धक है, जन्म के बिना प्रेम का वर्धन हो पाना संभव नहीं है, उसके बिना ममत्व कैसे, ममता कैसे होगी। मेरा पुत्र है मेरा लाला है, नंद के लाला जन्म लियो है, नंदा नंदा कौन मेरा, ये हमारा राजा, ऐसा संबंध ऐसा ममत्व कहां से आएगा, वैकुंठ में होगा, वैकुंठ में ये ममत्व की कमी है। वहां भय है, वहां संभ्रम है, वहां स्तुति है कि तो यहाँ ब्रज में क्या है। कि भागवतम में सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि नंदस्तु नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जातः राघव महामुन। श्री नंद महाराज जी के यहाँ दूसरी ओर नंद महाराज जी के यहाँ जब श्री भगवान जो है जन्म लिया यशोदा मैया जी के कोख से, वहां का माहौल क्या था, जात आह्लाद, आह्लाद माने वही राधनी शक्ति, राधा जी की शक्ति स्वरूप, वहां चारों तरफ से आनंद बिखर गया, सब पूरे ब्रज में कोलाहल मच गया, प्रसन्नता छा गया, जिसे शब्दों से कह नहीं सकते हैं। ब्रज का वो जो आनंद जो, तो इसलिए वहां पर कोई स्तुति हुआ, देखो आप स्तुति हुआ है, आप पर ब्रह्म है परमेश्वर है, वहां पर मथुरा में तो हुआ, जब देवकी के सामने चतुर्भुजधारी के रूप में जब ऋषि भगवान जो है प्रकट हुए, चतुर्भुजधारी शंकर चक्र गदा पद्म और बड़े दिव्य शरीर 16 साल के शरीर के रूप में कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, वहां पर स्तुति किया। श्री वसुदेव महाराज जी ने बड़ी बड़ी स्तुति की, और वसुदेव महाराज जी से भी बढ़ चढ़ के, पति से भी बढ़ चढ़ के, ध्यान देने वाली बात है, पति से भी बढ़ चढ़ के देवकी देवी ने वेदों को मात दिया, मातते हुए ऐसी स्तुति की जो साधारण लोग भी नहीं समझ सकते। और सारी स्तुति सब कुछ करने के बाद प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप बालक रूप तो धारण कर लो, बालक रूप तो धारण कर लो, किससे प्रेम करेंगे, चतुर्भुजधारी रूप से तो प्रेम तो होगा नहीं है, बालक रूप तो आप कृपा करके धारण कर लो। तब उनकी प्रार्थना को सुनते हुए श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर शब्दों में सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने कहा, प्राकृतम शिशु बहुवत, बिल्कुल एकदम मनुष्यवत बालक स्वरूप को कृष्ण ने धारण किया,
जिसको थोड़ी देर एकदम झलक थोड़ा एक बूंद ही समझो, थोड़ा सा लाड़ लड़ाते हुए दूध पिलाते हुए पति के हाथों में ब्रज ने भेज दिया। यही तो सुखदेव गोस्वामी पाद जी यही चीज तो समझाना चाह रहे। नंदस्तु, दूसरी ओर नंद महाराज जी के ब्रज में नंद माने क्या, नंद माने क्या आनंद, नंद माने क्या आनंद। जहां नंद महाराज जी है वहां दुख हो सकता है, वहां कष्ट हो सकता है। यही आनंद को यदि कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है जो इस संसार में कहीं नहीं है, जितना धन कमा लो तो भी नहीं है, जितना शादियां मर्जी आप कर लो, जितना भोग भोग लो, जितना मर्जी भोग लो, जितना मर्जी आप जो है नाम कमा लो, धन सब कुछ कमा लो, वो सुख नहीं है, आनंद नहीं है जो ब्रज में ब्रजवासियों में जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ऐसा प्रेम इस त्रिभुवन में क्या वैकुंठ आदि लोगों में भी ये प्रेम नहीं है। वही उस प्रेम का ही झलक यहाँ पर दिखाया गया, कोलाहल हो गया पूरे नंद ब्रज में, कोलाहल हो गया। वजह क्या है, कारण क्या है, नंद नंद महाराज जी को और यशोदा भैया को शादी हुए इतने न जाने बहुत साल बीत गए, 60 साल की तो यशोदा भैया हो गई और नंद बाबा भी वृद्धावस्था को लगभग लगभग पहुंच गए, तो भी कोई संतान नहीं हुआ। पिताजी भी परजन्य जी ने भी बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, आशीश्वर महादेव से भी प्रार्थनाएं की तो भी उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि दोनों पति पत्नी यही चाहते थे कि हमें कोई धुंधुकारी नहीं चाहिए। कौन चाहिए हमें, हमें वो बालक चाहिए जिनको लालन पालन करने से भगवान का स्मरण हुआ, प्रेम उमड़े ठाकुर जी के प्रति, वैसे भावना के साथ रहने के कारण उनको वैसे वैसे कोई संतान हुआ नहीं, क्योंकि वो चाहते थे वही संतान हो, वैसे ही संतान, उसके लिए व्रत रखी, उसके लिए तपस्या की, सब प्रकार का मेहनत किया, किंतु बाद में वृद्धावस्था में जो है सपना हुआ, दोनों को रात में सपना हुआ, सुंदर सा सांवला सा खिलगारी मारता हुआ मुस्कुराता हुआ बालक जो है पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी बालक सपने में दोनों को दर्शन देते हुए मुस्कुराते हुए मानो पेट में प्रवेश किया। ये सुबह जगते हुए जब दोनों ने एक दूसरे से व्यक्त किया कि सपने की बात, दोनों ने समझा ओ ये तो लगता है स्वयं वो हम लोगों की प्रार्थना को सुनते हुए स्वयं श्री भगवान ही जो है नारायण ही जो है किसी किसी रूप में एक सुंदर बालक को भेजा है, वही बालक के रूप में या कृपा करके किसी सुंदर बालक के रूप में वो सामने प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार सोचते हुए दोनों बड़े सुंदर रूप से प्रेम से विलाप किया, क्रंदन किया कि हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए इस नंद के ब्रज में सारे लोग बहुत समय से तीव्र काल से बहुत सुतीव्र समय से सब लोग नंद बाबा के लिए प्रार्थना और प्रतीक्षा कर रहे थे, और जैसे ही ये खबर सुनी पूरे ब्रज में कोलाहल मच गया। ये आनंद जो है चारों तरफ से छा गया और सभी लोग बड़े प्रसन्नता के साथ नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पहुंचे। माताएं जो है यशोदा मैया को बड़े सुंदर रूप से जो है बधाई दिया, कृष्ण को गोद में लेना चाहा, पलने में आया, बार बार देखती रही, सब प्रकार से लाड़ प्यार करती रही, छोड़ने का मन ही नहीं किया। और दूसरी तरफ जो गोपजन जो हैं वो सबके सब नंद बाबा को बधाई देने लगे। यही तो ब्रज है, यही तो नंद बाबा के यशोदा मैया के लाडला प्राण दुलारा श्री कृष्ण नंद नंदन श्री कृष्ण यशोदा नंदन श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है। यही तो
हमारे मनुष्य जीवन की सफलता है, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार हम लोग भी श्री कृष्ण को प्रतिदिन हमारे मन में धारते, कृष्ण को स्थान दें, फिर जीवन में कष्ट कहां, जीवन में दुख कहां, फिर जीवन में चिड़चिड़ी कहां और नाराजगी कहां, क्रोध कहां, कहां ये सब चीज स्थान ही प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है आप लोग भी तन मन और भावना के द्वारा इस कृष्ण लीला कथा को सुनिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। बोलो नंद के लाला की जय, यशोदा भैया की जय हो। थाली बजा सब। ओम ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च पिपासुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पर नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राज प्राचार्य तिरुदंडी स्वामी श्री श्रीमद शिल नारायण गुरु के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल बामन गुरुसे महाराज जी के अभय चरण कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी भी अहित कृपा की प्रार्थना करता हूँ। समस्त रूपान गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे कथा व्यास मंच प्यासी पूज्य पाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाराज जी कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ और हमारे पूज्य पाद भक्ति वेदांत पंत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाराज जी कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। पूज्य पाद पद्मनाभ महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समस्त वैष्णवी सज्जन वृंद सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं श्री राधा रमण बिहारी के प्रांगण में उनके ही चरणों के में के सानिध्य में बैठे हुए हैं। गुरुदेव की विशेष कृपा है। गुरुदेव ने जो रमण बिहारी गौड़ी मठ बनाए या जितने भी मठ बनाए उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य यही है सिर्फ कथा श्रवण करना और लोगों को कथा में कथ्यंश माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। स्वयं भगवान की कथा में रमण करें और सब जीवों को इस कथाओं का स्वागत कराएं। यही मठ मंदिर में बहुत सारी समस्याएं आने पर भी मूल जो उद्देश्य यही है और इसमें बहुत सारे लोग विशेषकर गुरुदेव से बहुत कई बार लोगों ने पूछा कि बहुत लोग आराम से भजन कर सकते हैं जंगल में, हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन में रह के भजन किया उन्होंने और बहुत बहुत लोग ने भजन किया तो मठ मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। कह रहे इसका है विशेषकर भक्ति सिद्धांत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जीवों के प्रति विशेष करुणा और उनके अनुगत जनों की पूरे जो प्रभुपाद जी के सारसंग गौड़ीय वैष्णव की विशेष दया है जो ऐसे मंदिर बनाते हैं और उसके उद्देश्य की रक्षा करते हैं। तो हम लोग आज गुरुदेव के जो उद्देश्य था इस मंदिर में कथा कीर्तन में हम लोग डूबे रहें और लोगों को डुबाएं वो पूरा सार्थक नजर होता रहे, इसलिए गुरुदेव के विशेष हम लोग बहुत बहुत ऋणी हैं। अभी हमारे महाराज जी कथा सुना रहे, बड़ी सुंदर सुंदर कथा भगवान की जन्म लीला की आपने कथा सुनी।
तो कहते भगवान बहुत दयालु है कृष्ण और बहुत शक्तिशाली है और अखिल रसामृत सिंधु है। कहते हैं इनके चरणों की जो हम लोग सुन रहे हैं और ब्रजवासी की महिमा अभी श्रवण कर रहे थे और आगे भी अभी करेंगे, अभी तो दशम स्कंद प्रारंभ हुआ है। वैष्णव जनों का श्रीमद् भागवत महापुराण ये क्या है, प्राण है। चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत यही गौड़ी वैष्णव के क्या है, प्राण स्वरूप है। और प्रत्येक गौड़ी मठ में क्या होता है, भागवत नित्य होती है सुबह शाम। तो 7 दिन के लिए क्यों रखा गया है, कि विशेष कोई हम लोग बहुत लोग जानते नहीं भागवत में क्या रस छिपा हुआ है। भागवत का एक श्लोक को ही आप एक महीने तक इसका आस्वादन कर सकते हैं, गुरुवर की कृपा हो जाए, और एक श्लोक में डूब सकते हैं। यहाँ तो 18,000 श्लोक है, वो भी दसम स्कंद है। तो इसका लोभ देने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का एक होता सेमिनार टाइप, मतलब कि किसी तरह से भागवत के रस को समझे। और ये भगवान की विशेष दया है क्योंकि पद्म पुराण में बताया गया तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहिता अवतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामय भागवत स्वरूपम। जो आदि देव है तमादि देवम करुणा निधानम, वो करुणा करके विशेष दया करके जगत में तमाल वर्णम, मतलब ये शब्द अक्षर श्रीमद् भागवत का वाग्मय स्वरूप है, इसके रूप में जगत में अवतरण लेते हैं। और सुहित अवतारम सारे जगत का हित करने के लिए भगवान का ये श्रीमद् भागवत अवतार हुआ है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 360 अध्याय हैं, और सुंदर सुंदर रचनेश भागवत एक भगवान भागवत दो बताया, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। बड़े सुंदर सुंदर भक्तों का चरित्र है, ध्रुव महाराज से लेके सुना होगा आपने, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, 5 पांडव, युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी की बड़ी सुंदर शिक्षाएं हैं। प्रहलाद महाराज जी का नरसिंह चतुर्दशी के दिन सुना, क्या सुंदर उद्गार है भगवान नरसिंह के प्रति, क्या भाव की तरंगे उनकी, निस्वार्थ निष्कपट सब जीवों की करुणा उनके हृदय में है। अम्बरीश महाराज की इसमें कथा है, नव योग इंद्र का संवाद है, और सबसे मुकुटमणि ये दसम स्कंद है जो महाराज जी आज प्रारंभ किए। भगवान जगत में क्यों आते हैं, बहुत सारे कारण होने पर भी भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैला सुविस्तार। इस संसार के लोग हमारे जैसे लोग भगवान को भूल गए हैं। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अते माया ताल इस संसार आदि। हम लोग भगवान को भूल गए हैं, भगवान को भूलने के कारण संसार में तरह तरह के कष्ट पा रहे, बारंबार जन्म, बारंबार मृत्यु, बारंबार बुढ़ापा, रोग, कष्ट, इतने कष्टों को भोग रहे। तो उसी को देखते हुए भगवान जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, जीवों के दुख को देखकर जीवों पर दया करने के लिए ही जगत होता है, उनका अवतरण होता है। और क्या करते हैं वो, लीला कैला सुविस्तार, बड़ी सुंदर सुंदर लीला, मनमोहक लीला, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को, शिव जी को, आदि आदि देवों को मोहित करने वाली। बताते हैं कि जिनका दर्शन ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते, यद्यपि समाधि सु विधि रूपि पश्यति ना तव्र न खाग्र मरीचि। ब्रह्मा जी भी बहुत साधना तपस्या करके भी जिनके चरणों की नख को भी दर्शन नहीं कर पाते, वही प्रभु दया करके ब्रजवासी के निकट पूरे के पूरे भगवान यहाँ पर प्रकट हो गए। और क्या कर रहे हैं, भगवान सबको कुछ ना कुछ वस्तु दे सकते, पर ब्रजवासी को क्या भगवान ने प्रदान किया, अभी हम सुनेंगे आगे आगे। ध्रुव महाराज को ध्रुवलोक दे दिया, प्रहलाद महाराज जी को भी परम गति दे दी, वैकुंठ का स्थान प्रदान कर दिया, परंतु ब्रज उन्होंने क्या दिया,
ब्रजवासी को भगवान ने दिया क्या इनका रूप माधुरी रूप रस शब्द गंध स्पर्श पांच वस्तु भगवान की बहुत निज वस्तु है जिसको किसी को नहीं देते सब वस्तु दे सकते हैं परंतु ये पांच वस्तु उन्होंने ब्रजवासी को दी बोले शब्द क्या है ब्रजवासी के सामने मैया यशोदा के निकट प्रकट हुए और तरह तरह की गोपियां छाछ कर उन्हें नचा क्या कह रही है कन्हैया एक बार मैया तो बोल और जब कन्हैया मैया बोलते हैं सब ब्राह्मण की कथा सुनाते थे सारा विश्व ब्राह्मण उनके चरणों में नौछावर हो जाए कैसी उनकी बोली है मधुर आया गिरा बल को काम गया उनका शब्द है कृष्ण यदि किसी को मैया बोल दे कृष्ण यदि किसी को बाबा बोल दे या कृष्ण किसी को पुकार के बोल दे सारा उसकी इतनी मधुर वाणी है सारा जगत उनको नौछावर हो जाता है वो शब्द किनको प्रदान दिया ये ब्रजवासी को और रूप का अपनी रूप माधुरी का दर्शन दिया जो कि किसी को भी नहीं देते वैकुंठ आदि आदि लोगों में भी नहीं देते स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं देते जिस रूप माधुरी को भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन करने जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन तार हा? मन उच्चाटन ना चले चरण संसार गेला मुरे जिसको दर्शन करने के बाद किसी भी और किसी वस्तु की दर्शन करने की इच्छा नहीं होती कहते ना विषय की निवृत्ता निरालस्य देहिना रस वर्जम रसोपस्य परम तृष्टा निवर्तते जिनकी रूप माधुर्य को देखने के बाद जगत में किसी का रूप दर्शन की दर्शन नहीं होती और जो सुगंध है कहते भगवान के चरणों की जो सुगंध है चरणों में जो तुलसी भोग लगाई जाती है चरणों से ही इतनी सुगंध आके बड़े बड़े सनक आदि किसी चार कुमार जो वही धोकर उनके दर्शन की लालसा से चले जाते हैं सुगंध अंग सौरभम पुरो विराजि कौस्तुभम स्फुरच्चि वत्स लांछनम नमामि नंद नंदनम जिनके सुगंध से चरणों के नख के जो तुलसी है उसके सुगंध से पूरे शरीर में उनके सुगंध सुगंध निकलती है उस सुगंध को किसको प्रदान करते हैं ये ब्रजवासी को और उनका स्पर्श एक एक की बहुत बहुत माधुरी है भक्ति विनोद ठाकुर ने रूप गोस्वामी पाद ने बताई है पर हम लोग तो बस हमारे बड़े गुरुजन बैठे हैं इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल रहे पर भगवान क्या प्रदान करने के लिए जगत में आते हैं उनका स्पर्श कैसा है अगर वो स्पर्श एक बार कर रहे हैं उन्होंने क्या किया मथुरा में गए अब तो ब्रज की माधुरी थी तो क्या मथुरा में गए और उपजा थी तीन जगह से टेढ़ी थी वो तो रोज कृष्ण को चंदन कंस को चंदन लगाती थी एक बार भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और उन्होंने क्या किया उनको चंदन लगा दिया बोले प्रभु आप कृष्ण बोले कि तुम डर नहीं रहे चंदन किसके लिए लेके जा रहे बोले कंस के लिए बोले कंस के लगाओगे नहीं बोले नहीं बोले प्रभु आपके लिए लगाओगे नहीं कह रहे तुमको डर नहीं है कंस से भय नहीं है बोले प्रभु जब तक आपका दर्शन नहीं होता जब तक कोई भय होता है अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय जहां भगवान के चरणों का दर्शन होता है वहां सारे प्रकार के शोक नष्ट हो जाते हैं अशोक भगवान द्रौपदी अभी भगवान क्या देव की घर में आए उनके हृदय में इतना पूरा तरह तरह का भय नष्ट हो गया हृदय में उल्लास आ गया आनंद की सीमा नहीं रही भगवान जहां प्रकट हो जाते वहां भय नहीं रहता और वहां क्या होता है अमृत आधार तो गुर्जा बोलने लगी प्रभु मैं तो आप ही के चंदन लगाऊंगी मेरे किसी प्रकार का डर नहीं है बस एक बार कृष्ण को चंदन लगाया अभी क्या हुआ भगवान ने क्या किया उन्होंने स्पर्श सुख दिया चरणों से चरण लगाए और पीछे अपना मधुर हाथ का स्पर्श दिया जो तीन जगह से टेढ़ी थी उपजा जो कोई भी कुरूप के दर्शन नहीं करता था विश्व सुंदरी बन गई मथुरा की सबसे सुंदरी बन गई वो किसके स्पर्श से भगवान का स्पर्श ये तो मथुरा का स्पर्श है ब्रज का स्पर्श क्या होता है अभी सुनेंगे फल विक्रेणी आएगी एक बार कहती कन्हैया मेरी गोदी में तो बैठ जाओ बड़ी सुंदर मधुर लीला है तो कन्हैया इधर उधर देखते हैं और कन्हैया
जैसे फल विक्रेने की गोद में बैठते हैं, जैसे स्पर्श प्राप्त करती है कन्हैया का, बस पागल हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है, ऐसा उनका स्पर्श है। तो ये तो पांच चीज भगवान किसको प्रदान करते हैं, इन ब्रजवासियों को दिया, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। अगर हम लोग श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे तो हमको ही ये प्राप्त होगा। आप लोग बोलेंगे हम तो लोग बड़े, हमारे अंदर तो बड़ा क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, द्वेष है, हम कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो भागवत हौसला, भागवत क्या होती है, वरदान प्रदान कर रही है। भागवत महात्म्य में पहले ही स्कंद के दूसरे अध्याय बताए, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया भगवतोत्तम श्लोकते भक्तिर भवति नष्टकी। आप चिंता मत करो, निरंतर भागवत का पान करो, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, रोज नित्य अगर बैठेंगे कथा को निष्ठापूर्वक सुनेंगे, समस्त प्रकार के तुम्हारे अनर्थ दूर हो जाएंगे। आगे श्लोक में बोलते हैं, रजस्तमो भावा काम लोभ चायस चेत एतन्निमित्तं स्थिते सत्वे प्रसिद्धि। करे चिंता मत करो, रोज कथा में बैठ जाओ, कुछ नहीं करना। रजस्तमो भावा, रजोगुण तमोगुण और आपका सतोगुण सब नष्ट हो जाएगा। चेते एतन्निमित्तं और तुम्हारा चित्त भगवान कुरुक्रम के लीलाओं में, मधुर मधुर लीलाओं के, उनके रूप माधुर्य के, उनके गुणों के ऊपर, उनकी लीलाओं के ऊपर तुम्हारा चित्त लग जाएगा और विचलित नहीं होगा। बोले और क्या होगा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। क्या होगा, एवं प्रसन्न मनसो, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। जो शुरुआत में बताया, क्या करने से, भगवान का श्रवण करने से, भगवान के दिव्य रूप गुण लीला की कथाओं को श्रवण करने से। और क्या होगा, विद्धन्ते हृदय ग्रंथि चिंतन्ते सर्व संशया, और जितना भी मैं, मेरा ये शरीर मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा दुकान मकान है, ये झूठा जो दुराग्रह है, ये सब विद्धन्ते हृदय ग्रंथि सब नष्ट हो जाएगा, हृदय की गांठें खुल जाएंगी। सर्व संशया और सब प्रकार के जितने भी संशय है, ये मेरे को मकान सुख देगा, दुकान सुख देगा, पति सुख देगा, पत्नी सुख देगी, ये प्रकार के संशय को लेकर हम बैठे हैं, ये सब संशय नष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा, भगवत भक्ति योग्यता, भक्ति योग करने से क्या होगा, भक्त तत्व ज्ञानम, भगवान के, भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान का माधुर्य ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान होगा। और क्या होगा, हम मुक्ति पद के पथिक बन जाएंगे। और भी बड़ी सुंदर सुंदर भागवत की महिमा है, पर हमको ज्यादा बोलना धृष्टता ही होगी, तो मैं कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। इसलिए जो गौड़े का प्राण है ये नित्य है, इसमें रोज रोज लोभ हो, इसलिए ये सुनाई गई है आपको। घर में जाकर नित्य इसका पाठ कीजिए, बड़ा ही भागवत में बड़ा ही रहस्य, बड़ा ही आनंद है। हरे कृष्ण, सब एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे, पहले माइक दो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। महाराज बोलो, गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशाकृतश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सर्वप्रथम मेरे
लीला प्रविष्ट विष्णु पाद वाष्पोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिला भावनगर श्री महाराज प्रविष्ट विष्णु पाद वाष्पोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण श्री महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ व्यास अधीन परम पूज्यपाद त्रिदंड सैन भक्ति वेदांत श्रीधर कृष्ण महाराज एवं पद्मनाभ महाराज और उपस्थित समस्त वैष्णव कृष्ण बिंद मातृबिंद गुरुगत सज्जन बिंद हरिकथा वासु शत्रुबिंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथा यथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। बहुत आनंद रस की बात है, हम लोग साक्षात रमन विहार की सानिध्य में बैठे हैं, साक्षात गुरुपाद की चरण कमलों की सानिध्य में बैठे हैं। अशिल महाराज के मुखारविंद से सुंदर अमृत कथा भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। काल आप लोगों ने बहुत धूमधाम से नंद महाराज के पुत्र जो है कृष्ण के जन्म महोत्सव पालन बोलो नंद महाराज की जय, बोलो नंद के जय। आज भी हमारे प्रभु जी दामोदर प्रभु जी गुरुदेव के अत्यंत स्नेह पात्र भी है। बहुत सुंदर सुरेली सर से बधाई की भी सुन और विशेष करके माताएं और पिताएं सभी जो है बहुत सुंदर रूप में नृत्य गीत किया, आनंद की बात हृदय के आनंदित देते हैं। अभी प्रसंग भी महाराज भी श्रवण कराया ये कृष्ण की जन्म वृत्तांत के बारे में, कहां कृष्ण जन्म लिया और कहां कृष्ण प्रकट हुए इसके बारे में तो बहुत सुंदर रूप में भी बताया गया। गुरुदेव के समय भी हम लोग जब मथुरा में रहते थे यही कृष्ण के जन्म महोत्सव पर मथुरा के बड़े बड़े मूर्धन्य संस्कृत के प्रकार विद्वान विद्वान जो है और चतुष्पाठी विद्यालय के जितने भी शिक्षक और लेक्चरर और विशेष करके मथुरा के सनातन मनोहर लाल शास्त्री और वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी ये सब जो है बड़े बड़े विद्वान लोग के गुरुदेव निमंत्रण करते थे। और आप लोग जानते हैं वर्तमान जो है वृंदावन के प्रसिद्ध विद्वान रसत्मी है अच्युतलाल भट्ट जी ये समस्त विद्वान लोग सब गुरुदेव के ही सभा में आते थे और उसी सभा में गुरुदेव यह विचार रखते थे कृष्ण कहाँ जन्म लिया। मथुरा वाले कहते हैं कृष्ण मथुरा में जन्म लिया और गोकुल वाले कहते हैं कृष्ण कहाँ जन्म लिया गोकुल में जन्म। आज तक ही ये झगड़ा चलती आ रही है। यहां तक भी गुरुदेव जब गोकुल में जाते दर्शन करने के लिए यहां तक गुरुदेव कहते देखो हम इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, यदि आप कहो कि कृष्ण कहां जन्म लिया गोकुल में कृष्ण के जन्म महोत्सव हुए, किंतु मथुरा वाले लोग क्या कहते ये कृष्ण मथुरा में जन्म। आज तक भी यही भी संघर्ष चलते आ रहे हैं, किंतु वास्तव क्या है हमारे आचार्य पाद कहते हैं एक जन्म और एक प्रकट, भगवान कहां से भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे आप लोग ने श्रवण किया वराह देव भगवान हिरण्याक्ष के मारने के लिए कहां से प्रकट हुए ब्रह्मा जी के नासिका से, तो ब्रह्मा जी के पुत्र माना जाए उसको ऐसे नहीं कह सकते। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए प्रहलाद को वचन रखने के लिए स्वयं
नासिक भगवान कहाँ प्रकट हुए, कहाँ से प्रकट हुए, खंभे से। तो खंभे उसके माता पिता माना जाए, ऐसे नहीं। भगवान किसी का दय सर्वत्र है और कहीं से भी प्रकट होते हैं। भक्तम विदात, भक्त के वचन रखने के लिए वो कहीं से भी प्रकट हो सकता है, किंतु जन्म जहां पर कहा गया वहां पर कहा जाता है लौकिक सद्बंधुवत प्रति प्रातिक प्राकृत शिशु के भांति स्वयं भगवान मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं। जहाँ अभी अभी महाराज ने श्रवण कराया, नाड़ी छेदन आदि ये सब दिखाया, इसके द्वारा प्रमाण होते हैं। और शास्त्र प्रमाण है, सबसे प्रामाणिक कर्ण कौन है, बोले गोपियां है। नकलो गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम रंतरात्म बिखाना साथी तो विश्वगुप्त ये सखी उदियतम सत्तम कुले। गुरुदेव जी प्रमाण दे देते हैं, गोपी गीत में स्पष्टीकरण कर दिया, स्वयं गोपियां जो है ये प्रमाणिक कहा जाता है, एविडेंट शास्त्र दे। जैसे महाराज जी का जयति देव अधिकम, उसी प्रकार गोपी गीत में भी अनेकों श्लोक है प्रमाण दे रहे हैं। नखलु गोपी का नंदनो भवान अखिल देही नाम रंतरात्म देव बिखन साथी तो विश्व गुप्त ये सखे उदियमान सत्यतां बोले। दो प्रकार के अर्थ कहता है, एक ब्रह्म भाव और एक दक्षिण भाव। वास्तव रूप में कृष्ण कहां से बोले, बिखन साथी तो स्वयं ब्रह्मा जी वरदान और स्वयं भगवान प्रकट हुए, ये सब भी दिखाते जा रहे हैं। इसकी कथा प्रसंग इस प्रकार कहते हैं, चलो सुखदेव परीक्षित महाराज कितने समय तक सोच रहे थे कि कृष्ण हमारे कुल में जन्म ले, क्षत्रिय कुल में जन्म ले, किंतु जब सुखदेव गोस्वामी पाद एक श्लोक कहने लगे, ये देखो नंद जसोदा किस प्रकार कृष्ण की पालन पोषण आदि करने लगे अपने पुत्र पर, तो उस समय सुखदेव परीक्षित महाराज ये प्रश्न किया, नंद की मकरोध ब्रह्मन श्रेय एवं महोद जसोदा च महाभागा पपूज सस्तनं हरि। नंद के अक्रोध ब्रह्मन ये त्रिकालज्ञ ऋषि गुरुपाद पद्म, आप कृपया मुझे बताइए नंद जसोदा के पूर्वजन्म के ऐसे कौन से पुण्य है जिसके फलस्वरूप ऐसे स्वयं भगवान श्री हरि उनके पुत्र हो गए जन्म के। जसोदा च महाभागा और स्वयं माँ जसोदा गोपाल को क्या किया, स्तंभन कराया। नंद के अक्रोध ब्रह्मन सेवम महोदयम जसोदा चो महाभागा पपूज स्तनम हरि, सबके दुख हरण करने वाले हरि, हरेति दुख हरण होती हरि, सबके दुख हरण करने वाले श्री हरि माँ जसोदा के स्तंभन। तो उस समय ये कथा प्रसंग सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, देखो आश्चर्य की बात है, ये कृष्ण कहां प्रकट हुए, नंद कारागार, एक कंस के कारागार में प्रकट हुए, और जन्म कहां लिया, नंदालय में। इसमें प्रसंग उसमें भी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आ जाता है जी, अंशेन स्वयं भगवान कृष्ण अंशेन कहां जन्म लिया, तो कहां प्रकट हुए, कहते हैं मथुरा में। यदि कहें ये मथुरा में तो भी गर्भस्थिति हो रही है, देवकी की गर्भस्थिति, प्रश्न उठता है यहीं पर, क्या देवकी गर्भ में कुछ नहीं था, देवता लोग इतने स्तव स्तुति आदि करते जा रहे, गर्भस्थिति हो रही, बहुत सुंदर है, सबकी भी युक्ति दिखा, पंडित लोग भी युक्ति दिखाते हैं, तो वहां पर कृष्ण के कहा गया प्रकट कहा, तो अथवा कहते अंशेन बलदेव सहेन बलदेव के साथ वहीं पर भी जन्म लीला भी बताया गया,
क्योंकि कहते हैं हमसे न कहने से, जैसे आप लोग ने श्रवण किया जो देवकी के छह पुत्र जो हुए और कंस उनको मार दिया, तब छठवां गर्भ सातवां गर्भ में स्वयं बलदेव प्रभु आए और उस समय ने किया कि जो मैंने किया कि देवकी गर्भ से लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर दिया। फिर आठवां गर्भ में कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण आए। किंतु यहां पर कहते हैं अंशेन, अंश के रूप में आए, पूर्ण के रूप से नहीं। पूर्ण के रूप से स्वयं भगवान कहां पर आए? ना मां जसोदा की गर्भ प्रकृति रूप में कर दिया। क्योंकि जहां पर पंडित लोग विचार करते हैं संस्कृत के अनुसार अनेक प्रकार के विचार आता है, तो यहां पर अंशेन अंशेन शब्द किया जाता है बलदेव सहित, बलदेव के साथ वहीं पर प्रकट हुआ, वहां पर प्रकट दिखाया, वहां पर कोई नाड़ी छेदन नहीं है अथवा किसी प्रकार संस्कार भी नहीं है। और गोकुल में क्या दिखाया? ना नाड़ी छेदन आदि दिखाया, साक्षात प्राकृत शिशु के भांति संग भगवान जन्म। इसलिए इस कथा प्रसंग दो प्रकार कहा जाता है। देखो देवकी और वसुदेव के पूर्व जन्म की इतिहास बताती है। इन पूर्व जन्म में जो है प्रश्नी और सुतपाती हजारों साल तक ये लोग श्री भगवान नारायण के तपस्या करने लगे। उस समय स्वयं भगवान नारायण प्रसन्न होकर के कहने लगे वरम प्री वर मांगो। तब उस समय प्रश्नी और सुतपा कहने लगे प्रभु यदि आप हमारे तपस्या में प्रसन्न हो गए तो आपके भांति एक पुत्र हमें प्रदान करें। तो उस समय स्वयं भगवान कहने लगे मेरे भांति पुत्र तो संभव नहीं है, मैं स्वयं भगवान, मेरे समान कोई नहीं, मेरे से अधिक भी कोई नहीं, कोई नहीं हो नहीं सकता। किंतु तुम लोग ने इतने कठोर तपस्या किया, आप लोग की प्रार्थना मैं निराश नहीं करता, इसलिए मैं वचन देता हूं मैं ही तुम्हारे तीन जन्म पुत्र होकर के और तुम लोग स्मरण दिला। इसलिए स्वयं भगवान नारायण पहले जो उनके आए हुआ पुत्र के रूप में हुए उसे कहा जाता है प्रश्नी गर्भा, अर्थात प्रश्नी सुतपा का जो पुत्र हुए उसमें कहा जाता है प्रश्नी गर्भा। द्वितीय जो है वही जो है प्रश्नी और सुतपा हुए पश्चिम अधिकृत के रूप में, पश्चिम और अदिति के रूप में आए। अब उस समय स्वयं भगवान उनके क्या पुत्रों के प्रकट हुए? बलो वामन्दे भगवान की। अब तीसरी बार उस समय कंस कारागार में स्वयं जबकि गर्भ से प्रकट होकर के संघ चक्र गदा पद्म धारण करते हुए और उस समय स्वयं भगवान कहने लगे ये देवकी वसुदेव मेरे स्वरूप के दर्शन करो, मेरे तुमने बहुत पूर्व जन्म में बहुत कठोर तपस्या की और मेरे स्वरूप के दर्शन करो, मैं ही वही नारायण हूं और आप लोग वही हो कृष्ण सुतपा हो और याद दिलाए और वही आप लोग देवकी और वसुदेव हो और मैं वही संग भगवान। ऐसे करके भगवान जब स्तुति आदि के भगवान जब प्रकट होने लगे तब उस समय देवकी और वसुदेव और स्तुति आदि करने लगे और मन ही मन विचार करने लगे कहीं कंस आकर के बालक के ना मार्ग न दे। उस समय उन्होंने प्रार्थना की प्रभु आप प्राकृत बालक के भांति प्रकट हुए। उस समय स्वयं भगवान नारायण और दो हाथ को कहीं अंतर्हित कर दिया और सामान्य बालक के भांति प्रकट हुए और स्वयं भगवान भी कहने लगे हे देवकी हे वसुदेव मुझे जल्दी जल्दी ही इस कंस के कारागार से मुझे लेकर के नंदालय में। इसके पश्चात देवकी भी और कृष्ण के जो गोपाल के जो अपने एक बार स्तन पान कराया और फिर वसुदेव महाराज बालक बाल गोपाल को लेकर के बाहर आए। इसके भगवान के जोग में के इच्छा से वो समस्त दरवाजा क्या हो गया अपने आप खोल गए और बाहर आ गए और देखा क्या घनाघोर बारिश हो रही थी और उस समय देवकी वसुदेव महाराज विचार करने लगे जे मैं जमुना पार करके और बालक के कैसे गोकुल में कैसे ले जाए। उस समय स्वयं बलदेव प्रभु
अनंत देव छत्र के रूप में धारण करके सब रूप धारण किया, छत्र के धारण किया। और फिर उसने महाराज विचार करने लगे, जमुना तो लपालप भरी हुई थी और मैं जमुना पार करके कैसे गया। तो उस समय संयोग जोग मैंने किया कि देखो एक शेर के रूप धारण किया और शेर के रूप धारण करके जमुना पार होने लगे। तो उसने महाराज उसकी रक्षा करके पार होने लगे। और किंतु देखो बीच जमुना जो आगे जमुना देवी विचार करने लगी, प्रभु के चरण स्पर्श बिना मैं कैसे रह सकता। इसलिए जमुना के जल ऊपर बढ़ने लगे। तो उस समय उसने महाराज जोर से कहने लगे, हमारे बालों के कौन ले कौन ले। इसलिए आज तक मथुरा के पास एक जगह है, गाँव है, जिसमें कहा जाता है कोले का, कोले कौन ले है? तो इस प्रकार जब फिर भगवान ने क्या कि अपने चरण के सोरा थोड़ा नीचे कर दिया, नीचे करने के साथ ही साथ जमुना की जल स्पर्श हो गया और जमुना भगवान की चरण कमल स्पर्श करके धनाती दग्न हो गए और जमुना के जल नीचे चले गए है। और इसके पश्चात वसुदेव महाराज गोपाल के लेकर के गोकुल में पधारे। यह पर हमारे एक तत्व सिद्धांत आचार्य बात देते हैं, जो वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में ही रहते हैं, गोकुल के कृष्ण गोकुल में ही रहते हैं, मथुरा के कृष्ण मथुरा में ही रहते हैं और द्वारकाधीश कृष्ण द्वारिकापुरी में ही रहते हैं, जाते नहीं कहीं। किंतु तथापि लोक शिक्षा आदि के लिए, लोक लीला आदि के लिए दिखाते हैं, ये वसुदेव महाराज लेकर के जाते। हमारे आचार्य पाद कहते हैं जे माँ जसोदा एक ही समय जमत संतान को जन्म दिया, एक कृष्ण के अर्चना के युग में भी जन्म दिया। तो उस समय देखो नंदनंदन कृष्ण जो है, और उस समय आकर के वसुदेव महाराज के हाथ में आ गए और वसुदेव महाराज के हाथ से जो वसुदेव नंदन जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। अथवा कई कहते हैं जे पूर्ण और पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम, ये जो है नंदनंदन कृष्ण जो है इसे कहा जाता है पूर्णतम कहा जाता है, और वसुदेव नंदन जो है ये पूर्णतर कहा जाता है, द्वारकाधीश कृष्ण के कहा जाता है पूर्ण पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम। उस समय स्वयं कृष्ण जो पूर्ण पूर्णतम कृष्ण जो है यहाँ पर आ गए और वही कृष्ण वसुदेव महाराज अपने पुत्र मान करके और माँ जसोदा के जहाँ पर आतुर गृह अर्थात जन्म दिया था और उसी स्थान पर ले गए। लोक लीला भी ऐसी है जी, वसुदेव महाराज देखो वो जोग में आके देखा, बट एक छोटा बालिका को देखा है और वहीं पर रख दिया और बालिका को गोद में लिया और वो बालक की बालिका को ले लिया और बालक की उम्र बढ़ा दिया और बालिका के लेकर के यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमारे आचार्य पाद वो भी वर्णन करते हैं, वास्तव रूप में माँ जसोदा ने यह नंदन के गोपाल भी जन्म दिया, क्यों यहाँ पर नाड़ी क्षेत्र में सब कुछ भी दर्शन कराया। इसलिए गोपियां जो कहते हैं नखल गोपी का नंदनो भगवान अखिल देही नाम रंतरात्म देही विखन सार्थी तो विश्वगुप्त सके उद्यवान सत्यतांगुले। यहाँ पर एक भी वर्णन करते हैं सुखदेव के सही बात, यहाँ पर एक कथा भी सुना दिया ये देखो पूर्व काल में और महाराज के ना ये दोनों ब्रह्मा जी के जो है तपस्या करने लगे, द्रोण और धरा ये दोनों जीव तत्व हजारों साल तक ब्रह्मा जी के तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की जब तपस्या करने ब्रह्मा जी के प्रसन्न होकर के बोले परम गुरी पर मांगो। उस समय द्रोण और धरा कहने लगे प्रभु ऐसे कर दीजिए कृष्ण प्रति भगवान के प्रति मेरे हृदय में वात्सल्य भाव उत्पन्न हो। देखो कृष्ण ने सुनते बाद नारायण की उपासना की और मांगा भगवान की, और यहीं पर कृष्ण के द्रोण और धरा किसको उपासना की, ब्रह्मा जी की उपासना की, मांगा के पुत्र नहीं मांगा, क्या मांगा भगवान के प्रति हमारा वात्सल्य भाव उत्पन्न। वात्सल्य भाव कब होता है, जब माँ जब संतान को जब जन्म देते हैं, माँ संतान के जन्म देने पर और उनके स्तर में बिठा देता है।
इसलिए इसमें तो बहुत सुखादि सूक्ष्म विचार हमारे आचार्य पाद दिखाया है। वास्तव रूप इसलिए कह रहे हैं ये नंद जसोदा कौन है, ध्रुव नोट धरा का है, किंतु वास्तव इसमें भी बहुत रहस्य गुणी गुण तात्पर्य है। हमारे आचार्य पाद कहते हैं नंद जसोदा जाए कृष्ण की नित्य माता पिता ही है। जब स्वयं भगवान नित्य कुल वृंदावन धाम से अपने परिकर के लेकर के इस जगत में प्रकट होते हैं, तब उस समय लीला आदि करते जाते हैं, उस समय ऐसे ऐसे महान जीवात्मा अपने रस आस्वादन वात्सल्य और सिद्ध आस्वादन करने के लिए और उस समय क्या करते हैं, नंद और जसोदा में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए द्रोण और धरा जो है ये जो जीव तत्व जो है, और जब ये लीला आदि करते जा रहे हैं भगवान और उस समय द्रोण और धरा ने किया कि नंद और जसोदा में प्रवेश करके ही ये वात्सल्य रस आस्वादन किया। फिर जब भगवान जब लीला करके नित्य धाम में चले जाते हैं तब वो द्रोण और धरा और वही नंद जसोदा बाहर आकर के नित्य गोलोक वृंदावन धाम में और उनकी नंद जसोदा के अनुगत्य में उनके परिचारिका के रूप में वहीं पर भी सेवा आदि करते हैं। इसलिए इसमें तक अनेक तत्व सिद्धांत हमारे आचार्य पा देते हैं जी। वास्तव रूप में तत्व विचार ही है जी, नंद और जसोदा कृष्ण के ही नित्य माता पिता है। ये लगता है अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं गृहमाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान अनुग्रह करके कृपा करके नित्य परो वृंदावन धाम से अपने परिकरों के लेकर के प्रकट होते हैं और लोगों के निकट ऐसे सुंदर सुंदर लीला आदि दर्शन कराते हैं जिससे कहा जाता है प्राकृत शिशुवत लोकवत्तो लीला कैवलम, मनुष्य के भांति लीला करते हैं क्योंकि मनुष्य लीला ही सर्वोत्तम लीला कहा जाता है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं हे सनातन सुनो कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन अद्वैतंतत्ते ब्रजे ब्रजेन्द्र नंदन कृष्णे जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नर बपू तहार सरो गोपवेश बेनुकर नव किशोर नटवर नरलीलार हय अनुरूप। स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे ये सनातन सुनो कृष्ण के तत्व विचार सुनो, कृष्ण के अद्वैत ज्ञान पर तत्व न तत्व अद्वैत दो नहीं है नंदुए एक ही विषय भगवान रस माधुर्य के अनुसार भक्त के निकट अनेक रूप प्रकाश आदि करते हैं। जो जैसे रस के भक्त होते हैं भगवान उसी रस के भक्त निकट वो स्वरूप प्रकाश करते हैं। जिस प्रकार एक वैदुर्य मणि, एक वैदुर्य मणि होता है उसमें एक ही साथ में सात रंग रहता है, कितने रंग, सात रंग रहता है। जिस कोणार से आप देखोगे कोण से देखोगे वही दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण समस्त रसों की समावेश है, अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुचिरुद्ध तारका पाली ललित श्यामा ललित राधा प्रेम विदुर जय हमारे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में प्रस्तावना श्लोक में वर्णन कर रहे कृष्ण रस स्वरूप है। रसो रसो वैसे जेवा लब्धा बंदिर भवति, स्वयं कृष्ण रस स्वरूप है और स्वयं रस आस्वादन कर रहे हैं, भक्ति रस माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं। कृष्ण जब कंस के रंगालय में जब प्रवेश करने लगे वहां पर सुखदेव को समय वर्णन कर दिया अनेक प्रकार के रस के द्वादश रस के भक्त विराजमान थे। पांच प्रकार के मुख्य रस होते हैं शांत दास संत दास सप्त वात्सल और माधुर्य और सात गौण रस होता है हर्ष अद्भुत करुण वीर विवस आदि करके। देखो समस्त रस के भक्त कृष्ण के अपने अपने स्वरूप में दर्शन करते हैं। देखो एक ही कृष्ण और दर्शन हो रहे किसके विभिन्न रूप में दर्शन हो दिया इसी के भगवान का। इसलिए कृष्ण जो लीला आदि करते हैं लोकवत्तु लीला कैवलम मनुष्यवत लीला आदि करते हैं, इस कृष्ण के जितने प्रकार के लीलाएं हैं मत्स्य कुम वराह आदि जितने प्रकार के लीलाएं जितने प्रकार की अवतार की कथा हम श्रवण करते हैं
सर्वोत्तम से सर्वोत्तम लीला के मानव लीला कहा जाता है। इस मानव लीला में विशेष करके तीन लीलाओं की विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद दिखाया रघु भगवतम ग्रंथ में श्री रूप समय पाद कहते हैं। तीनों की पराकाष्ठा दिखाया, एक निसिंहदेव भगवान की भक्त वात्सल्य पराकाष्ठा दिखाया। बोलो निसिंहदेव भगवान की। दूसरी दैव कोई भगवान रामचंद्र की दिखा रहे प्रजा वात्सल्य। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय गुरु वचन न जाय। ये प्रजा वात्सल्य दिखाया भगवान, जब भगवान रामचंद्र और मरजगा में स्थित हुए हैं तत्मी, इसलिए रामचंद्र की पराकाष्ठा दिखाया। और कृष्ण में क्या दिखा, सर्वोत्तम पराकाष्ठा प्रेम माधुर्य रूप माधुर्य लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य, चार माधुर्य की जो है पराकाष्ठा सर्वोत्तमता प्रकाशित की। इसे कहते हैं कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नर लीला नर गोपु ताहर सरो गोपो बेश गोपो बेश वेणुकर नव किशोर नटवर नर लीला रघुपति उपाध्याय भी कहते हैं कृष्ण के सर्वोत्तम पराकाष्ठ रूप है कैसर रूप। एक कैसर रूप जो है धीर ललित नायक के जो रूप है ये सर्वोत्तम भाग है, इसके बहुत विस्तृत वर्णन है कथा बोलते जाए क्यों कृष्ण के इतने महात्मा देते हैं। और भगवान की लीला की कथा ही है, जो कृष्ण की लीला की कथा सर्वोत्तम और उसमें इतने आनंद किसने होता है न स्वयं कृष्ण ऐसी मधुर लीला प्रकाश की न भूत न भविष्य न वैकुंठ आदि नहीं जैसा रस लीला और प्रचार सही सब लीला अभी गरीब जाते हर चमत्कार चेतन चेतन वैकुंठ में नहीं अयोध्या में द्वारका में नहीं मथुरा में तक नहीं है वो कहां है एकमात्र गोलोक वृंदावन। वो क्या है सर्वोत्तम जय पार्वती माधुर्य रस की प्राकाष्ठा मैं प्रकाश किया जो रास लीला में कृष्ण प्रकाशित करे किया पंचाग्रद कृपा सिंधु बल श्री कृष्ण के नैया लाल की, बल श्री नंद के एक बार हाथ उठा कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे पूजा हम लोग करेंगे। भागवत में गिरिराज पूजा की बड़ी महिमा है, इसलिए गिरिराज जी को बताए सर्व अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए हमारी संप्रदाय में राधा रानी खुद कहती है हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोद। राधा रानी कहती है हरिदास वर्ज हरिदास हमें सर्वश्रेष्ठ श्री गिरिराज महाराज है। हमारे संप्रदाय में गिरिराज की इतने महिमाएं विश्व ब्रह्मांड तो बांके बिहारी जो पूजा करता है, लेकिन ये बांके बिहारी किसको पूजा की, अरे बोलो जोर से गिरिराज की पूजा की। विश्व ब्रह्मांड कृष्ण को परिक्रमा करते हैं, लेकिन कृष्ण किसको परिक्रमा किया है गिरिराज को। विश्व ब्रह्मांड भगवान को उठा कर रखते हैं, लेकिन भगवान किसको उठाया गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठाए। इसलिए राधा रानी कहती है गिरिराज की बड़ी महिमा। और गुरुदेव तो कहते हैं जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी स्वयं उसको पीछे 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 घूमते हैं। ये मेरे से क्या मांगेगा, जो कुछ मांगेगा गिरिराज जी सब कुछ दे देते हैं। अब लोग गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए बोले बाबा यहाँ तो अच्छे भक्त हैं। अब देखना गुरुदेव कहते थे देखना गिरिराज में जो गिरिराज को शिला है ना एक शिला के ऊपर शिला रखा हुआ देखे हो, बोले क्यों बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए वो शिला के ऊपर जितने शिला रखते हैं ना गिरिराज जी उतना मंजिली मकान दे देते हैं, उतना मंजिली मकान दे देते हैं गिरिराज गोवर्धन जी। आप देखना पेड़ में धागा बंधा हुए देखोगे दूध की परिक्रमा कर रहे हैं देखे होंगे, बोले क्यों
गिरिराज के पास में जो कुछ मांगो गिरिराज सब कुछ दे देते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं संसार की वस्तुता आसानी से दे देते हैं, स्त्री पुत्र परिवार नौकरी नहीं, बच्चों का शादी नहीं हो रही है, गिरिराज तो अपनी आसानी से दे देते हैं। गुरुदेव कहते हैं एक चीज मांगो ना, गिरिराज को चिंता करना लगे, चिंता में पड़ जाते, उसको दू कि नहीं दू, वो क्या है, उनकी सेवा और उनकी भक्ति। बोले क्यों? बोले रुपया पैसा धन दौलत देकर तो छूट जाते हैं, लेकिन भक्ति देने पर भगवान को उनका वशीभूत होना पड़ता है, इसलिए भगवान वो भी देते हैं, लेकिन सोच विचार करके देते हैं। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा, जब गिरिराज ने गिरिराज की पूजा ब्रजवासियों ने की, कृष्ण स्वयं ये बात बताए, बोले आज का दिन मेरी सेवा में जो केवल एक अन्न का दाना जिसने भोग लगा दी, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, किसी जीवन में भी घर में उनकी अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगा, ये गिरिराज का आशीर्वाद है। इसलिए कल हम लोग अन्नकूट महोत्सव करेंगे, इसलिए आप लोग अपना घर से जो दीक्षित व्यक्ति है कोशिश करना थोड़ा कढ़ी चावल हो, हलवा हो, पूरी हो, जो अच्छी चीज़ें आप बनाते हो हैं, जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ थोड़ा थोड़ा बना करके लाना, और कोई तो नहीं तो कोई फल हो, नहीं तो कोई मिठाई, खाली हाथ में नहीं आना, गुरुदेव कहते थे क्योंकि एक अन्न की दाना भोग में लगा दो ना, किसी जीवन में घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ये गिरिराज की मुँह से निकली हुई है। कल गिरिराज की बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनेंगे, अभी राधा रानी जन्म लेने वाली है आज, कोई किसको बनाया है किसको, राधा रानी किसको बनाया है, किसको बना रहे है किसको, ठीक है। हाँ देखो हम लोग 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनेंगे, नियम है, ऐसे नहीं कथा भी समाप्त और हम भी खत्म, समाप्त हो गई और कथा खत्म होते यहाँ पल्लू झाड़ करके यहाँ से चले गए, नहीं, कथा से कुछ ले करके जरूर जाननी चाहिए, ठीक है ना, कथा से कुछ ले करके जाओ। अब क्योंकि छोटी सी कथा सुनाता हूँ, याद अच्छे तरह से सुनो। बोले एक समय एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी रहते थे, अच्छे तरह से सुनो ध्यान दे करके, एक ब्राह्मणी एक ब्राह्मण रहते थे, जो ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता नारी है, रोज पति के चरण धो करके चरणामृत लेती हैं, पति भोजन के बाद में जो छोड़ देती है उसको लेती थी, पति की चरण सेवा करना, पाक पास में बैठा कर गर्म गर्म रोटी खिलाती थी, पंखा झुलाया करती थी, बड़ी सेवा करती थी। एक समय वो ब्राह्मण किसी बाहर गए हुए थे, एक दिन श्री नारद जी इनके घर में आए, जब आए वो जो पतिव्रता ब्राह्मणी थी उसने बड़ी सुंदर रोटी चावल सब्जी बनाए और नारद जी को उन्होंने भोजन करवाए, नारद जी भोजन किए, लेकिन भोजन को बाद में नारद जी जब ऊपर में देखा वहाँ उसकी तिलक है ही नहीं, गले में उसकी तुलसी कंठी नहीं है, मतलब वो वैष्णवी नहीं, वो कृष्ण मंत्र में दीक्षित नहीं है, कृष्ण मंत्र में दीक्षित नहीं। नारद जी इसको देख करके बोले हाय रे, एक अधिकृत व्यक्ति जो गुरु जी से मंत्र ग्रहण नहीं की, गले में कंठी तिलक धारण नहीं की, उसकी हाथ में मैंने खाना खा लिया, मतलब मेरा धर्म कर्म नष्ट हो गया। इसलिए नियम है वैष्णवों को कभी भी अधीक्षित व्यक्ति के हाथ में कुछ ग्रहण नहीं करनी चाहिए। नारद जी देखते देखते उनको सामने उनने जो कुछ खाए थे उन्होंने उल्टी कर दी, बोले मेरा सारे धर्म कर्म नष्ट हो गया, दीक्षा मंत्र विहीन व्यक्ति के हाथ से मैंने खाया है, अभी तो बेचारी बड़ी दुखी हो गई। बोले संत के लिए मैंने इतने कष्ट करके रोटी दाल सब्जी बनाए, लेकिन इस संत ने उसको उल्टी कर दिया। बोले नारद जी बताओ मुझे क्या करनी चाहिए, मैं क्या करने पर मेरे हाथ से आप ग्रहण करते हो। बोले देखो बेटी, जब तक आप दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं करोगे, गुरु जी के हाथ से गले में कंठी और माला तिलक धारण नहीं करोगे, तब तक ये शरीर पवित्र नहीं होता है, क्योंकि जो शरीर है गोस्वामी जी कहते हैं कि तीजल पा बक गगा ना समीरा, क्षिति जल पा बक गगा ना समीरा, पंचरतीताया अधम सरीरा, पंचरतीताया
आदम सारी जाल पा गिरी जाल पागा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हमारे शरीर किस चीज से बना हुआ, मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश। इसलिए कहते अधम शरीर। आप देखना सवेरे उठो, आप देखना मुंह से बदबू, कान से बदबू, नाक से बदबू, और नीचे से तो बदबू ही बदबू निकलती है। आप ब्यूटी पार्लर में जाओ, बढ़िया सज धज करके आओ, दो घंटा लगाया, केवल 5 मिनट धूप में निकल आओ, तुम्हारी रोम रोम से बदबू निकलेगा। बदबू निकलता कि नहीं? इसलिए गोस्वामी जी कहते ये शरीर पंचर अचित, ये अधम शरीर आए, ये टाटी पेशाब का थली, इसमें कुछ है ही नहीं, किसका पेट फाड़ के रखो तो ना भाग जाएंगे यहाँ सब के सब। इसलिए नारद जी कहते देख बेटी, जब तक हम गुरु जी से गले में कंठी धारण नहीं करते, जैसे ठाकुर जी को जो कुछ भोग लगाओ, और जब तक तुलसी नहीं देते हो क्या होता है, ठाकुर ग्रहण करते हैं? कहते छापान्न भोग 36 व्यंजन और बिना तुलसी प्रभु एक नाही माने। इसलिए जब तक गले में तुम तुलसी कंठी धारण नहीं करते हो बेटी, ये शरीर ठाकुर को सेवा में नहीं लग सकती है। इसलिए जिन जिलियों को गले में तुलसी कंठी नहीं है ना, शास्त्र कहता है आप ठाकुर सेवा में कोई अधिकार नहीं, जो चीज छुओगे वो अपवित्र हो जाएगी, क्योंकि अधम शरीर है। इसलिए बेटी गले में तुलसी कंठी धारण करनी चाहिए, और ये तिलक ऊर्ध्व पुंड लगानी चाहिए। हम लोग तो हिंदू है, देखना जब घर में कोई पुजारी पूजा कराने आता है, जब तक आपकी तिलक नहीं लगाएगा तब तक पूजा करवाता है नहीं करता है, तिलक नहीं लगाना पूजा नहीं कराता है। इसलिए शास्त्र में बताया बोले शंख चक्र ऊर्ध्व पुंड्रम धर्मर्त्य म्रियते जत्र कुतचित। अगर ये ऊर्ध्व पुंड लगाते हुए कहीं भी अगर कोई शरीर छोड़े ना, कहते सुपाच, अगर व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो, भगवान विष्णु कहते हैं मतलब मामा लोक महियते, वो व्यक्ति मेरे धाम में जाएगा। और जिसकी शरीर में तिलक है बोले लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरि वल्लभा नित्य तस्यम भवत देह जस्य पद्मा की ततनो। जब व्यक्ति ये तिलक धारण करते हैं उसको शरीर में गंगा जमुना सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा ये सारे देवादेवी उसको शरीर में निवास करते हैं। अब देखो हमारे मंदिर में कृष्ण है, इनका तिलक है कि नहीं ठाकुर का? ठाकुर कृष्ण तिलक लगाए कि नहीं, देखे कि नहीं? अब भगवान राम को देखे हो तिलक है कि नहीं? नारायण को देखे हो? कौन कौन नारायण को देखे? देखना सबसे बड़ा तिलक तो प्रभु नारायण की, आधा मुंह तो नारायण का तिलक में भरा हुआ। हनुमान जी को देखे हो कभी? कौन कौन देखे हो तिलक है कि नहीं? गणेश जी का देखो, भगवान तक भी ये तिलक धारण करते हैं, हमारी क्या जरूरत है? हमारी क्या है? भगवान तिलक धारण करते हैं, ठीक है ना? इसलिए तिलक जरूर धारण करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ माताएं सधवा हैं, हमें कैसे पता चलता है ये माता जी सधवा नहीं तो कोई विधवा? सिंदूर लगाती हो, मांग भरती हो, बेसर पहनती हो, चूड़ी पहनती है, इससे पता चल जाता है ये सधवा। भैया पति से कब से शादी हुई? पति से पहले कोई संबंध था तुम्हारी? जब पति शरीर छूट जाएगा कोई संबंध रहेगा? बीच में डाइवोर्स हो गया तो गया भैया। 2 दिन की पति के लिए जब इतने तुमने मांग सिंदूर लगा दी, और जो पति का पति जो परम पति भगवान है, तो उसके लिए तुम्हारे पास में क्या है? कुछ है? कुछ नहीं। इसलिए अगर पति तुम्हारी जिंदा है, अगर पत्नी सारे सधवा का श्रृंगार उतार दे और विधवा रूप धारण करके पति के पास में चले जाए, बताओ पति तुम्हें स्वीकार करेगा कि नहीं? बल्कि जिंदा रहते रहते तुमने खत्म कर दिया, तुम मेरे को मार डाले जिंदा रहते रहते। जब ये जगत का पति तुम्हें स्वीकार नहीं करता है, इसलिए यह नारद जी कहते हैं अगर तुम्हारी गले में कंठी नहीं तिलक नहीं, भले ही तुम ठाकुर जी को पास में जाओ, ठाकुर तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा ठाकुर जी। बोले क्या चिन्ह तुम मेरे को मानते हो, क्या चिन्ह तुम्हारे पास में? इसलिए नारद जी बताए देखो देखो देवी जी, इसलिए तुम्हारी गले में कंठी तिलक नहीं, गुरु दीक्षा तुमने नहीं ली है, इसलिए तुम्हारी हाथ में मेरे को भोजन नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ पर शंकर जी पार्वती को कहते हैं, कौन कह रहे हैं?
शंकर जी पार्वती को मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो शंकर जी क्या कहते हैं, कहते अधीक्षितस्य वामरो कृतम सर्वम निरर्थकम। संस्कृत समझते हो, बोले पशु जो निंग मापनाती दिख्या विरहित जना। शंकर कहते हैं पार्वती अगर कोई अधीक्षित वामरो अगर कोई दीक्षा ग्रहण नहीं किया पार्वती, कहते सर्व धर्म अनर्थ निरर्थकम, वो जो कुछ करता है ना सबके सब निरर्थ हो जाता है, उसको निरर्थ हो जाता है। अगर कोई दीक्षा ग्रहण नहीं किया तो फिर क्या होगा, बोले पशु जोनी अपनुआत, दूसरे जीवन में उसको पशु जोनी में जाना पड़ेगा। कौन सा जीवन में, ये शंकर कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शंकर पार्वती को कह रहे हैं। तब उन्होंने बोले गुरुदेव हमें क्या करनी चाहिए, ध्यान देकर सुनो, ये पद्म पुराण की कथा है, ध्यान देकर सुनो। इतने में बोले देखो बेटी अगर तुम मेरे को भोजन कराना चाहते हो दीक्षा मंत्र ग्रहण करो। बोले गुरुदेव दीक्षा मंत्र दो। तो नारद जी गले में कंठी तिलक माला दिया। बोले गुरुदेव कुछ उपदेश है, बोले देखो बेटी जो दीक्षा ग्रहण नहीं किया है ना थोड़ी सी उनसे दूर रहा करना, उससे थोड़ी सी दूर रहा करना। नारद जी चले गए, बोले देखो बेटी अगर कोई जरूरत हो ना मेरे को बुला देना मैं आ जाऊंगा। अब चले गए, जब चले गए पति आया, लेकिन रोज पति की चरण की धोती थी चरणामृत लेती थी, लेकिन आज जब घर में पति आया ना वो दूर से पति को खड़े किया, पास में फटकने नहीं दिया और पानी को फेंक करके पति को चरण में फेंका। जब उसको भोजन देता है थाला को दूर से सरका करके देती है, बोले देखो आज से तू मेरे पास में सो नहीं सकते अलग सोया करो। पति पति थोड़े चक्कर में पड़ गए, बोले इतने मेरी पत्नी पतिव्रता नारी थी आज ये क्या हो रहा है, ये दूर से पानी फेंक करके दे रही है और मेरे से दूर से बात करती है भोजन का थाला को सरका। बोले भैया क्या बात किया है, बोले आज घर में गुरुजी नारद जी आए थे और नारद जी को मैंने भोजन कराया, मेरे गले में तिलक कंठी नहीं था, उन्होंने उल्टी कर दिया। मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को दीक्षा मंत्र नहीं लेने पर उसका हाथ का पानी पवित्र नहीं है, इसलिए मेरे को बोले जो दीक्षा मंत्र नहीं ले उसको दूर से बात करना दूर से रहना, इसलिए आज से मेरे पास में आना फटकना दूर में रहना। वो तो बड़े चक्कर में पड़े गए, बोले तेरे गुरु जी कौन है, बोले आप बोलोगे तो गुरु जी बोले याद करने पर आ जाऊंगा, बोले बुलाओ गुरु जी को। तब उन्होंने एक मन से बोले गुरुदेव आप मेरे ऊपर में कृपा करो, पति आपको मिलना चाहते, याद करते ही नारद जी झट प्रकट हो गई। कहते ना चमत्कार को, चमत्कार को नमस्कार। जब उन्हें साक्षात प्रकट हो गए, बोले बाप उस तो दम है, पता नहीं गुरु जी को स्मरण करते कहां तक आ गए। तब उन्होंने नारद जी को बोले गुरुदेव मेरे को भी दीक्षा मंत्र दो, क्योंकि पत्नी मेरे चरण धोती थी भोजन कराती थी प्रेम करती थी, अभी सब चीज को फेंक फेंक करके मेरे को दे रहा है, इसलिए गुरुदेव मेरे को भी दीक्षा मंत्र दो। बोले जाओ बेटा स्नान करके आओ। जब स्नान करने के लिए गए कुछ लोग वहां पर और भी ब्राह्मण थे, बोले थोड़ी देर पहले तो तू नहा करके गया फिर दो बार क्यों आ गया। बोले घर में नारद जी गुरु जी आए दीक्षा मंत्र देंगे, बोले नहा करके आओ। बोले अभी क्या दीक्षा मंत्र लोगे, अभी पितृपक्ष चल रहे, अभी रुक जा। क्यों क्यों, जगत में इतने प्रपंच लोग है ना, कोई बीड़ी फूके शराब पिए जुआ खेले रांडीबाजी करे उसके लिए कुछ अंगुल नहीं उठाएगा, लेकिन अगर कोई गले में कंठी तिलक पहन लिया ना, बोले क्या ये कोई उम्र तेरे भजन करने का, सिगरेट पी। हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय। हरि बोल। इसलिए जगत में देखना बड़े प्रपंच लोग होते हैं, गंदे काम के लिए तो सब रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन कोई प्रभु की भक्ति मार्ग पर जाए ना, देखना जब प्रहलाद भजन करने के लिए गया, हिरण्यकश्यप ने जान से मारने के लिए कोशिश की, जान से मारने के लिए उसको कोशिश की, पहले तो एक हिरण्यकश्यप, अभी घर घर में हिरण्यकश्यप हो गए पहले तो एक हिरण्यकश्यप, देखना अभी घर घर में हिरण्यकश्यप हो गए। वो प्रपंची लोग थे, उनको पता अगर दीक्षा मंत्र लेगा ना ये तो हमारे पास में फटकेगा नहीं, जो अड्डा मारते हैं बैठ करके कुछ करेगा नहीं। बोले अभी क्या दीक्षा मंत्र, चुप रुक जा, कुछ दिन बाद में दीक्षा मंत्र ले लेना, अभी पितृपक्षिया चल रही। दिमाग घुमा दिया, बोले गुरु जी कुछ दिन के लिए थोड़ा सा रुक जाया करो, कुछ दिन के लिए थोड़ा सा, ए हरे कृष्ण अभी बैठो चुपचाप। बोले अभी कुछ दिन के लिए अभी रुक जाओ, बाद में दीक्षा मंत्र लूंगा।
कुछ दिन बाद में दोनों को मृत्यु हुई, मृत्यु हुई तो देखो क्या फल है। ये शंकर जी स्वयं कहते पार्वती को, उसकी पत्नी ने भजन की, वो विदर्भ देश में राजा का बेटी बन करके, राजकुमारी बन करके जन्म हुई, और इतनी सुंदरी थी वो, मिस यूनिवर्स थी उस समय में, विश्व सुंदरी बनकर। क्यों? भक्ति कभी खत्म नहीं होती है, कितना दीन दीन बढ़त सबाए, भक्ति बढ़ती है, और उसकी हृदय में इतने भक्ति रही, बचपन से भगवान की भक्ति नाम कीर्तन करती थी। लेकिन उसका पति ने दीक्षा मंत्र नहीं लिया, वो विदर्भ देश में हाथी बनकर के जन्म हुआ। क्यों? शंकर जी कहते हैं पशु जोनिंग अपनुआत गुरु दीक्षा विहीन जे, मैं नहीं, शंकर जी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर अपवित्र शरीर है, दीक्षा मंत्र लेने पर ही पवित्र होता है। ये शंकर जी कहते हैं पार्वती को, वो उसी जीव, उस दूसरे जीवन में हाथी रूप में उसी राज्य में जन्म ग्रहण किया। अब ये बेटी बड़ी सुंदरी, विश्व सुंदरी बनकर के आई, और वहां पर ये होता है स्वयंवर सभा, बड़े बड़े राजा शादी करने के लिए आए, इसको हाथ में फूल की माला दिए, जाओ जिस राजा को चुना। लेकिन पहले भक्ति की, भक्ति कभी खत्म नहीं होती है, पूर्व स्मृति इसकी, सामने उसने देखा हाथी खड़ा हुआ, वो हाथी को देखकर पहचान गए ये पूर्व जन्म में मेरे पति है। लेकिन नारद से दीक्षा मंत्र नहीं लेने का नाते ये पशु जो नींग, ये जानवर जीवन हाथी जन्म में आए। लेकिन उसने किया कि बरमाला को लेकर के सीधा हाथी को गला पर दे दिया। जितने राजा थे बड़े जोर जोर से देखो, इतने सुंदर सुंदर राजा आए हुए, कोई पसंद नहीं, हाथी पसंद हुआ। पिताजी ने कहा बेटी तुमने ये क्या की, ये हाथी की गला में क्यों माला दिए? बोले पिताजी ये पूर्व जन्म में ये मेरे पति थे, नारद जी आए थे, लेकिन उन्होंने दीक्षा मंत्र नहीं लिया, कुछ प्रपंच व्यक्तियों ने दिमाग घुमा दिया, इसलिए उन्होंने दीक्षा मंत्र नहीं लिया। दीक्षा मंत्र नहीं लेने का ना तो ये हाथी बनकर के जन्म हुए, ये पूर्व जन्म के मेरे पति है प्रभु। बोले अभी क्या हुआ, तो इतने सुंदर राजकुमारी? बोले पिताजी मेरे गुरु जी मेरे को बताया था जब किसी कारण से स्मरण करोगे ना मैं आ जाऊंगा। बोले बेटा बेटी स्मरण करो, जब उन्होंने स्मरण किया ना नारद जी को, झट नारद जी प्रकट हो गए, एकदम नारद जी प्रकट। बोले बेटी क्या बात है? बोले गुरुदेव इसने दीक्षा मंत्र नहीं लिया, इसलिए इसने हाथी जीवन को उसने प्राप्त किया है, मेरे पति के ऊपर में भी आप कृपा करो। तब नारद जी वो हाथी के सर पर हाथ रखे, और वो हाथ रखते हाथी झट इंसान बन गया, हाथी झट इंसान बन गया, इंसान बन गया। तो झट उन्होंने गुरु जी के चरण में बोले गुरुदेव कितना कल कर सो, कल कर सो आज करो, और आज कर सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरू रहेगी कब। लेकिन हमने क्या किया जाए तो उल्टा कर दिया, आज कर सो कल करो, और कल कर सो परसों, अरे जल्दी जल्दी क्या करते हो, पढ़ा रहा है बरसों, इतने जल्दी क्या भजने के लिए कोशिश कर रहे हो? बोले गुरुदेव जल्दी जल्दी मेरे को दीक्षा मंत्र दो, क्योंकि नहीं तो मैं हाथी जन्म को मैंने प्राप्त किया है। तो उन्होंने गुरु जी से दीक्षा मंत्र को ग्रहण की, दीक्षा मंत्र लेकर के दोनों पति पत्नी भजन करके ठाकुर जी की चरणों को प्राप्त किया। इसलिए भैया नियम है गुरु दीक्षा, हमारे जो गांव में तो नियम है शादी से पहले दीक्षा तुमको लेना ही पड़ेगा, दीक्षा के बगैर तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। अभी भी हमारे गांव में कोई लड़की आई ना, उसका हाथ का पानी नहीं पीते, तो दूसरे घर का आए, सबसे पहले गुरु जी को पास में ले जाएंगे, बोले गुरु जी इसको पहले गले में तुलसी कंठी पहनाओ, क्योंकि ये दूसरी घर से आई है, अभी इसकी गले में तुलसी कंठी नहीं, इसका पानी हमारे घर में नहीं चलेगी। हमारे गांव में नियम है गले में तुलसी कंठी पहनाएंगे फिर घर का कोई कामकाज करवाएंगे, ये नियम है। इसलिए क्या करो, जितने जल्दी से जल्दी गुरु दीक्षा को लेकर के क्या करो, भगवान की भजन करो, और भगवान की हरि नाम करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो, और एक बात है, जैसे दीक्षा मंत्र लेने के लिए ना पहले सारी गंदी चीज को छोड़ना पड़ता है, जैसे मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज को त्याग देना पड़ता है, उसको बाद में फिर मंत्र लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई बोले हम एक साथ में छोड़ नहीं सकते हैं, हम धीरे धीरे ये चीज को छोड़ेंगे, जब कोई पूरा छोड़ देता है ना फिर हम उसको गले में तुलसी कंठी तिलक सब ये सब चीज देते हैं। और जो बोलेगा मैं हम धीरे धीरे ये सब चीज को छोड़ेंगे फिर हम उसको नीम की माला देते हैं, बोले ये नीम माला लेकर के हरिनाम करते रहो, क्योंकि जब जितने प्रभु का नाम करोगे ना
ये गंदी चीज अपनी आप नफरत हो जाती है, गंदी चीज अपनी आप छोड़ जाती है। इसलिए जिनकी इच्छा होगी हम माला लेकर के हरिनाम करेंगे, इसलिए अब आ करके सवेरे सवेरे आ करके हरिनाम की माला अब ले करके जितना जल्दी से जल्दी भगवान की भजन कर सकते हो। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आपके हाथ में माला पकड़वा दिया ना, अभी हम राधा रानी की थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं, उसको बाद में फिर एक माला करके फिर जाना, ठीक है। बोले देखो, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत ग्रंथ को डायरेक्ट पढ़ता है बगैर संतों की अनुगत्य में, कुछ लोग कहते हैं जैसे वृंदावन में जाओ, देखना वृंदावन में किसके नाम सबके सब लेते हैं, हर जोर से बोलो और जोर से, हाँ वृंदावन में सबके सब श्री किशोर जी के नाम लेते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, भैया आप इतने राधे 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 बोलते हो, ये भागवत में फिर राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं, कुछ लोगों का प्रश्न। लेकिन ये हमारे जो गौड़ीय वैष्णव है ना, कहते भैया भागवत तो राधा जी की राधा पर्ग ग्रंथ है। साधारण लोग कहते भैया दशम स्कंद देखना बोले कृष्ण 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 कथा है, साधारण लोग कहते भैया भागवत में तो कृष्ण ही है। लेकिन ये हमारे गुरु जी कहते हैं ये भागवत कृष्ण परक नहीं है, ये भागवत किसका परक, किसकी महिमा है, श्रीमती राधा रानी की महिमा श्रीमद् भागवत में, ये श्री राधा परक ग्रंथ है ये भागवत है। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे, बोले भागवत का सार किया बोले दशम स्कंध, दशम स्कंध का सार किया बोले रासलीला, बोले रासलीला, बोले रासलीला में रासलीला की राशेश्वरी कौन है, श्री राधा रानी। जब कृष्ण रास कर रहे थे सत करोड़ों वहां पर गोपियां थी, कृष्ण भी थे, लेकिन जब राधा रानी मान करके वहां से चली जाती हैं, रास बंद हो गया। कृष्ण स्वयं वहां पर थे, सत करोड़ों गोपियां भी वहां पर थी, लेकिन जब राधा रानी वहां से चली जाती है रास बंद हो जाती, क्यों, राशेश्वरी श्रीमती राधा रानी। कहते ये ग्रंथ का नाम क्या है, बोले श्रीमद् भागवतम, बोले श्रीमद् मतलब क्या, बोले श्री मतलब होता है राधे, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, बोले मूल लक्ष्मी कौन है, सर्व लक्ष्मी भाई राधा रानी, मद मतलब होता है प्रेम। कहते ये भागवत नहीं, ये श्रीमती राधा रानी की प्रेम ही ये श्रीमद् भागवत है। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। संतों ने एक उदाहरण देकर समझाए, बोले कोई एक सेठ था, वो खूब धन कमाता है, लेकिन धन तो कमाता है लेकिन कहां पर जमा करता है, सेठानी के पास में, सेठानी आलमीरा में लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी सोने चांदी हीरे जवाहरातों को आलमीरा में सजा सजा कर रखती थी। एक दिन उसने पागली नहीं हो गई, पागली में हो करके क्या कि जितने सारे धन दौलत था ना, वो छत के ऊपर में गई और उसको लुटाना शुरू कर दी, और जितने गरीब दुखी दरिद्र थे सबके सब लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी हीरे जवाहरात को उठाए और सबके सब माला माल हो गई। बोले भैया ये सेठ कौन है, बोले ये सावरिया सेठ है, ये बांके बिहारी सेठ, खूब पैसा कमाता है, खूब प्रेम को कमाता है, लेकिन भंडारी कौन है, किसको पास में जमा करती है, अरे बोलो जोर से, राधा रानी को पास में, इनको पास में सारे प्रेम की खजाना, इसको पास में राधा जी को पास में। राधा रानी वो प्रेम को छुपा छुपा कर रखती थी। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी, दीवानी बन करके छत के ऊपर में गई और जा करके जो कृष्ण प्रेम था ना, वो कृष्ण प्रेम को राधा रानी लुटाना शुरू गई, राधा रानी लुटाना शुरू की। और आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम को जो दरिद्र है, जो भिखारी है, वो सबके सब वो धन को लुटाना शुरू कर दिया, और लुटा करके क्या किए, हम लोगों ने सबके सब कृष्ण प्रेम धन में सबके सब धनी हो गए, सबके सब हम धनी हो गए सबके सब। इसलिए यहां कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम मतलब क्या है, ये भागवत कथा नहीं सुन रहे हैं, श्री मतलब राधा रानी प्रेम, मद मतलब प्रेम। राधा रानी जब कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके कृष्ण प्रेम को भागवत नहीं सुन रहे हैं, वो कृष्ण प्रेम को ही राधा रानी भागवत रूप में ये हम लोगों को लुटा रही हैं। और हम सबके सब कथा सुनकर क्या बन जाएंगे, एक दिन कृष्ण प्रेम में, राधा जी की प्रेम में एक दिन हम भी
धनी बन जाएंगे, राधा रानी प्रेम में धनी बन जाएंगे। अभी प्रश्न है, फिर भागवत में सुखदेव गोस्वामी फिर राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं दिया? आज मैं बताऊंगा, कल सुनूंगा, जो बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, ध्यान देकर सुनो। कहते भागवत का सर्वप्रथम टीकाकार श्रीधर स्वामी हुए, वो पहला कारण कहते हैं, कहते राधा नाम उच्चारण मात्र न षडमार्षिक मूर्छा भवेत। जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार श्री राधा जी का नाम लेते थे वो 6 महीना तक तो बेहोश हो जाते थे। बोले अगर मैंने एक बार राधा जी का नाम लिया 6 महीना बेहोश हो गया, अभी कथा सुनाने के लिए मेरे पास में कितना दिन है? 7 दिन है। आप बताओ फिर कथा को कैसे सुनाऊंगा? इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिया। दूसरा कारण बताए, भागवत प्रारंभ से पहले सुखदेव गोस्वामी राधा रानी से प्रार्थना की, बोले हे राधे आपका नाम को भागवत में किस रूप में लूं? राधा रानी का आदेश है मेरे नाम को डायरेक्ट रूप में नहीं लेना, लेना तो मेरे नाम को छुपा करके लिया करो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहीं श्री रूप में, कहीं लक्ष्मी, कहीं रमा, कहीं गोपी, इसी रूप में राधा जी का नाम लिया। उन्होंने देखना भागवत में राधा जी का नाम उन्होंने कहीं स्पष्ट रूप में देखो कहीं नहीं है। बोले कारण है, जैसे एक लड़की भले ही जितने काली कलुट क्यों नहीं हो, अगर घूंघटा उतार करके चलती है ना, आप देखना सब देखने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे कैसे, लेकिन जितने सुंदर से सुंदर की नहीं हो, अगर घूंघटा खोल करके जाती है ना, बोले भैया ऐसे कितने चलती रहती है, ऐसे कितने चलती रहती है। इसलिए प्रेम को जितने छुपा करके रखोगे ना, वो प्रेम की इतना ही महत्व होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भागवत में राधा जी का नाम को इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप में ग्रहण नहीं किया। कितना कारण हो गया? तुम लोग कोई गिन नहीं रहे हो, कितना हो गया? 2 कारण। तीसरा कारण सुनो, आप लोग का हाथ में मेहंदी लगाते हो, लगाते कि नहीं? मेहंदी पत्ते देखे हो? कौन कौन देखा मेहंदी पत्ते? आप बताओ मेहंदी पत्ते का रंग कैसे है? हरा है ना, लेकिन क्या वास्तव में हरा ना और क्या है? अरे बोलो हरा ना और क्या है? लाल। लेकिन ऊपर से क्या लगती है? हरा। इसको पीसो तभी हरा लगेगा, लेकिन जब माता में हाथ में मेहंदी लगा देते हो, बताओ फिर कौन सा रंग हो जाता है? लाल। इतना लाल हो जाता है महीना तक भी हाथ से नहीं छूटती है। इसलिए भागवत को ऊपर से क्या देखोगे? कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन आत्मा तो राधिका है वो, लेकिन कृष्ण का आत्मा कौन है? राधा रानी है, राधा रानी। फिर क्या करना पड़े? बोले पिसो। बोले पिसना मतलब क्या? बोले साधन करो। जब साधन करोगे ना भागवत में तुमको कृष्ण कृष्ण नहीं दिखेगा, क्या दिखेगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, अंदर में देखेगा तो राधा जी के सिवाय कुछ भी नहीं। 14 कारण बताए, कहते जो कृष्ण भक्ति है, उदाहरण दिया है जैसे नदी में पानी बहती है, देखना नदी का पानी सब पी सकता है, जानवर इंसान सब पी सकते हैं, लेकिन जो कुएं का पानी हो ना सब नहीं पी सकते। नदी में कोई स्नान कर रहे, गैया भी इंसान कपड़ा धो रहे, वो पानी इतना निर्मल नहीं, लेकिन कुएं का पानी देखना पूरा निर्मल ठंडा पानी होता है, हैं? मतलब क्या? बोले जो कृष्ण भक्ति है वो सब कर सकते हैं, सबके अधिकारी, लेकिन जो कुएं का भक्ति है ना सब नहीं कर सकते हैं। राधा जी का भक्ति कुएं का भक्ति, बोले कुएं का पानी कौन पी सकते हैं? जिसको पास में कोई रस्सी हो, कोई पात्र हो ना, वही डाल करके ही कुएं का पानी पी सकता है। तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य यह है, जब तक हम किसी रस्सी के संप्रदाय में नहीं जुड़ेंगे, हैं, जिस संप्रदाय में राधा जी की भक्ति हो, इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोजरेणो अनाश्रित वृंदावनम तत अटम्बिम असंभाष्य तद भाव गंभीर चीता कुतः श्याम सिंधु रस श्याम गाओ। अगर की कोई कृष्ण भक्ति रस में डूबना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? भैया राधा जी की चरण को आश्रय ग्रहण करो, राधा जी की चरण धूल को, वृंदावन धाम को। सबसे बड़ी चीज है राधा जी की भक्ति में जो संत डूबे हैं, जब तक ऐसे संतों को शरणागत नहीं होना, भैया राधा जी की भक्ति नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए हम बड़े भाग्यवान हैं, हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की शरण में हम लोग आए।
विशेष करके जिन्होंने ये ब्रज भक्ति को, इनका जो संगत जिन लोगों ने की ना, आप देखना कण कण में हमारी कण कण में महाराज जी ये राधा जी की भक्ति को उन्होंने ठोस ठोस करके रोम रोम में एकदम कण कण में समा करके हमारे महाराज जी गए। ये हम लोगों के ऊपर में गुरु जी की बड़ी कृपा। इसलिए भागवत में श्री राधा जी का नाम बहुत सारे कारण बताए, राधा जी का नाम क्यों नहीं है अभी समय नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए फिर भागवत में राधा जी का नाम फिर कहाँ कहाँ, फिर हम कौन सुनेंगे कहाँ कहाँ। अभी राधा जी कथा सुन लेते हैं, राधा जी कैसे जन्म हुई है। कहते श्री हिमालय का जो बेटी माता पार्वती है, पार्वती का पति कौन है, अरे बोलो जोर से, शंकर जी। अगर किसका दामाद अगर बहुत बड़े, अगर मोदी भले ही दूर से किसका संबंध मोदी को हो, देखना बिना कारण से बोले जाने तो मोदी कौन, अमुक लगता है, घुमा फिरा कर बड़े अहंकार करेंगे ना, अभिमान, अरे मोदी का परिवार में हमें। अगर जिसका जिसका दामाद देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी हो, इसलिए ये हिमालय पर्वत का बड़ा अभिमान, वो सभी पर्वतों को पास में जा जाकर बड़ा ढीग हाँकता है। एक विंध्याचल पर्वत था, बोले बड़ा अभिमान है हमारी दामाद ऐसे, हमारी दामाद ऐसे। तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी को आराधना की, ब्रह्मा जी जब संतुष्ट हुए बोले बेटा बरचाओ, बोले मेरे को एक दामाद चाहिए। बोले कैसे, बोले हर गुण से शंकर जी से श्रेष्ठ होनी चाहिए, शंकर जी से सुंदर, शंकर से रूपमान, शंकर जी से गुणवान, संपर से वरदान, हर चीज से शंकर जी से बड़े होनी चाहिए, ऐसे एक दामाद होनी चाहिए, आशीर्वाद दो। भाई भैया दामाद कब होगा, घर में बेटी हो तब तो दामाद होगी ना, अभी साधारण बेटी हो तभी तो नहीं होगा। इसलिए शंकर जी से हर गुण से श्रेष्ठ कौन है, श्री भगवान कृष्ण बांके बिहारी हैं। घर में अगर राधा रानी आए तभी तो कृष्ण तुम्हारी दामाद बनेंगे ना, लेकिन राधा रानी किसकी बेटी, नित्य श्री वृषभानु कीर्तिका सुंदरी की बेटी श्री किशोरी जी। अभी वृषभानु महाराज जी, अभी उनकी जो पत्नी कीर्तिका सुंदरी गर्भधारण की हैं, अभी वो गर्भवती है। ब्रह्मा जी ने जोग माया को आदेश दिया, जोग माया ने किया कि उनकी गर्भ से आकर्षण किया और विंध्याचल की पत्नी की गर्भ में स्थापन कर दिया। जब स्थापन कर दिया, उपयुक्त समय होने पर इनके घर में दो बेटी हुई है, एक राधा रानी और एक चंद्रावली हुई। लेकिन इधर क्या हुआ, जिस समय कंस ने जब वसुदेव महाराज बेटा को रख करके बेटी को ले आए, जब कंस प्यार पकड़ कर उसको मारने के लिए गया, इतने में वो उड़ गई, आकाशवाणी की, बोले रे मुड़ कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। बोले देख वो अकेला जन्म नहीं हुआ, उसकी शक्ति भी कहीं जन्म हुई है, उसकी जो शक्ति है मेरे से भी ज्यादा सुंदरी है, रूपवती गुणवती, अगर जिसके साथ में उसकी शादी होगी ना, उसका पति अजर अमर और अखंड सौभाग्यवती हो रहेगी, विश्व ब्रह्मांड में उसकी जस फैलेगी। कंस ने फिर पुतना को भेजा, पुतना को बोले देख पुतना एक काम करियो, अगर बेटा मिले तो मार डालना, लेकिन बेटी मिले तो मारना नहीं, उसको पकड़ कर ले आना, क्योंकि मेरी जोग माया खुद बोली उसको साथ में जिसकी शादी होगा वो कोई मरेगा नहीं, इसलिए ले आना, मैं उसको साथ में शादी करूंगा। इसलिए पुतना क्या करती थी, कहीं अगर लड़का मिले तो मार देता था। लेकिन इधर सारा दुनिया में हल्ला हो गया, किसकी घर में बच्चा नहीं रह रही है, इतने में किस घर में बच्चा नहीं रह रहा है, इतने में विंध्याचल पर्वत डर गए, भैया मेरे घर में भी दो बेटी, पता नहीं पुतना कब आकर के ना दोनों बेटी को पकड़ी और लेकर चली गई। इतने में विंध्याचल पर्वत ने अपना पुरोहित को बुला करके उच्चाटन मंत्र प्रयोग कराया, बोले पुतना को मार डालो। जब उनने पुतना को मंत्र प्रयोग की, पुतना छटपट छटपट करने लग गई, करते हुए दोनों बच्चों को फेंक करके चली गई। लेकिन जब फेंक करके चली गई, दोनों को यमुना में फेंक कर गई। वृषभानु महाराज रोज सवेरे सवेरे जाते हैं यमुना स्नान करने के लिए, इनके घर में एक बेटा श्रीदाम भैया, ये सोच रहे थे घर में एक लाली होनी चाहिए, क्यों, घर में जब कोई लड़की जन्म होना, देखना दुनिया कहता है घर में नारायण आया है, घर में लक्ष्मी आई है घर में, लेकिन कोई बेटा जन्म लिए कोई बोलता है नारायण आया है, लेकिन दुर्भाग्य है घर में बेटी होना नाना नानी का तो पहले अवस्था खराब हो जाता है, घर में बेटी क्यों से हो गया, बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ बेटी, भैया कहते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी दान सर्वश्रेष्ठ, लक्ष्मी स्वरूप मानकर दान देती है। अगर जगत में बेटा बेटा हो जाए बेटी नहीं होगा, दुनिया रहेगा बताओ, रहेगा,
अभी जितने बढ़िया को घर में ना कोई बोल रहे थे, अभी तो 40% लड़के भी कुंवारा रह रहे हैं। बेटी है ही नहीं, बेटी नहीं है शादी कहाँ से करेगा। इसलिए भैया बेटी की दान सर्वश्रेष्ठ दान है, हैं? अरे बेटा दावा दावी करता है संपत्ति में, लेकिन बेटी कभी दावी नहीं करती हैं, दावी कभी नहीं करती हैं। मैंने तो बहु जगह पर देखा है, बहु जगह पर देखा, जब बच्चे घर में बहू आ जाए, जब कलेश होता है ना, लास्ट में बेटी को पास में जाकर आश्रय लेता है, बहुत सारी जगह मैंने देखा। इसलिए भैया बेटियों को रक्षा करो, देखना कभी बेटा विरोध हो जाए, लेकिन बेटी कभी विरोध नहीं होगी, बेटी कभी विरोध नहीं होगी कभी। बेटी बेटी ही पिता माता के जीवन को देखती है। तुम लोग ताली नहीं बजाए तुम लोगों के लिए। इसलिए तो सोच रहे घर में कोई बेटी आ जाए। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब नहाने के लिए गए ना, देखा सतदल कमल फूल के ऊपर में किलकारी मारते हुए एक छोटी सुंदरी एक बालिका आ रही है। वृषभान महाराज उतरे और बेटी को उन्होंने ले लिया, ले करके उन्हें कृतिका सुंदरी की दिया, देखो ठाकुर जी ने हमें एक बेटी दिया, उनकी बेटी थी। बड़े लाड़ प्यार से इंसान कर रहे थे। नारद जी ने देखा कृष्ण तो आ गए, जरूर कहीं किशोरी भी आई होगी, घर घर में ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब रावल में आए, वृषभान महाराज को पूछे घर में कोई बेटी हुई है, कोई संतान, बेटा को दिखाया, बोले कोई बेटी हुई, बोले हाँ, बोले ले आओ। जब आए तब देख रहे पहचान गए, बोले यही तो कृष्ण की पूर्ण लादिनी परा शक्ति है। तब उन्होंने बहाना बनाया, थोड़ा फूल ले आओ, मैं आशीर्वाद करना चाहता हूँ। जब वो अंदर में गए ना, इतने में राधा रानी किशोरी बनकर प्रकट हो गई, ललिता विशाखा सखियाँ प्रकट हो गई। ललिता कहती है क्या देख रहे हो बाबा, जल्दी जल्दी प्रणाम करो, स्तुति करो, नहीं तो राधा रानी अभी अंतर ध्यान हो जाएगी। फिर नारद जी बड़े सुंदर राधा जी की स्तुति करते हैं, बोले मुनिन्द्र बिंद बंदित त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते सदा कही सती हम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष बल्लरी बितान मंडपस्ते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्री कोमल पयावयुरे प्रभूत संपदाल सदा करी सती हम कृपा कटाक्ष ले ले आओ राधा रानी को, राधा रानी को ले आओ। जब उन्होंने स्तुति की, राधा रानी बोले नारद जी पुनः तुम्हें गिरिराज तलेट में दर्शन दूंगा। राधा रानी अंतर ध्यान हो गए, नारद प्रसन्न हो गए। वृषभान महाराज पूरा ब्रजवासियों को नौता दिया, घर में लाली भई है, सबके सब दर्शन करने के लिए आओ। सारे ब्रजवासी सध्वज करके वहां पर आए, स्वयं मैया जसोमती भी आई है। राधा रानी जन्म से आंख बंद कर रखी थी, सोच रही थी सर्वप्रथम कृष्ण को देख करके दुनिया को मैं देखूंगी। मैया जसोदा कृष्ण को भी ला कर, कृष्ण राधा रानी से 15 दिन बड़े हैं। जब एक बिस्तरा पर लेटा दिया ना, इतने में कृष्ण हाथ को राधा जी के ऊपर रख दिया, और कृष्ण हाथ पर्स होते ही राधा रानी को तो रोम रोम खिल उठा। राधा रानी की रोम रोम खिल उठा राधा रानी को। इतने में राधा रानी आग खोला तो सामने श्री श्याम सुंदर का दर्शन किया, कृष्ण चंद्र को दर्शन किया। इतने में श्री वृषभानु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, जितने धूमधाम से उत्सव कर रहे थे ना, उससे ज्यादा धूमधाम से उन्होंने ये उत्सव मनाए। अभी श्री राधा रानी आ रही हैं, अब लोग अभी राधा रानी की बधाई गाएंगे। लेकिन आपको पास में एक माला पहुंच गया कि नहीं? माला पहुंच गई ना, पहले हम लोग एक माला करेंगे, उसको बाद में राधा जी की बधाई सुनेंगे, ठीक है? आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। हरि बोल, बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभान महाराज की, बोले श्री कृतिका मैया की, जय जय श्री राधे। वहां पर बैठ, बोले जय जय श्री राधे। हाँ डोरीलाल जी, एक 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 कोई बधाई गा लो, उसके बाद में एक माला कर ले, गा फटाफट, गा फटाफट, गा। हाँ जन्म सुनाली को भाई सबको पी वाले, हम लोग को
उधर जाकर बैठ जाओ। लाली आई है परसाने चलो।